इट इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, एक बार क्लियर रखो क्या भाई, सिमिलर सेल का ग्रुप है व्हिच परफॉर्म विद इंट्रासेलुलर सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन देम परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, जो किसी स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है, इस ग्रुप को हम बोलने वाले हैं क्या, टिश्यू। क्लियर बिल्कुल, टिश्यू क्या, इट इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल विद इंट्रासेलुलर सब्सटेंस परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन कॉल्ड टिश्यू, एकदम क्लियर, ब्रेन में सेट। चलो भाई आगे हमने बात की थी टाइप्स ऑफ टिश्यू, अगर टाइप्स ऑफ टिश्यू की बात करते हैं हमें पढ़ना क्या है, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू, जिसमें एपिथेलियल टिश्यू का ओरिजिन एक्टोडर्मल भी होता है, मेसोडर्मल भी होता है और एंडोडर्मल भी होता है। क्लियर, जबकि हम कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं ओरिजिन ओनली मेसोडर्मल, मस्कुलर टिश्यू की बात करते हैं ओरिजिन ओनली मेसोडर्मल और अगर हम नर्वस टिश्यू की बात करते हैं ओरिजिन एक्टोडर्मल, ब्रेन एकदम सेट। फंक्शन भी देख लेते हैं, एपिथेलियल टिश्यू क्या करते हैं भाई, फिल्ट्रेशन एब्जॉर्प्शन सीक्रेशन, भाई ग्लैंड्स में एपिथेलियल टिश्यू होते हैं सीक्रेशन, आप समझ रहे हो, फिल्ट्रेशन एब्जॉर्प्शन सीक्रेशन डिफ्यूजन, ठीक है, और प्रोटेक्शन, क्योंकि मल्टी लेयर वाले प्रोटेक्शन में भी हेल्प करते हैं, तो इन सब के लिए एपिथेलियल टिश्यू की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर बिल्कुल, यस या नो, आग लगाते जाना, एनर्जी देते जाओ, एनर्जी मिलती जाएगी, इनपुट आउटपुट। क्लियर बिल्कुल, तो सीधी सी बात है, यहां तक एकदम परफेक्टली आपके ब्रेन में सेट था, ठीक है। हमने अब एक-एक करके स्टार्ट किया, सबसे पहला टारगेट था एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल की बात करते हैं, एपी मतलब अपॉन, थीलियम मतलब ग्रोथ या कवरिंग। क्लियर है, तो एपिथेलियम की अगर बात करते हैं बेटा, तो एपिथेलियम में बात की थी भाई इनकी पोजीशन क्या है, पोजीशन एनसीईआरटी में देखना, इनकी जो फ्री सरफेस होती है, जो फ्री सरफेस होती है या तो एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में होगी या बॉडी फ्लूइड के डायरेक्ट कांटेक्ट में होगी, सुपर, यही आग, यही आग एनर्जी बूस्ट करती है, ठीक है। तो मैं बोला ना किस किस कांटेक्ट में, या तो इनकी फ्री सरफेस बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में होगी या एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में होगी, पोजीशन तीन बातें याद रखना, जितने भी बॉडी के ऑर्गन होते हैं इंक्लूडिंग स्किन, आउटर लेयर फॉर्म बाय एपिथेलियल टिश्यू नंबर वन, जितने भी होलो ऑर्गन या होलो ट्रैक जो अंदर से खोखले होते हैं, इंटरनल लाइनिंग किससे मिलकर बने होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू। क्लियर बिल्कुल, इसके अलावा हमने बात की थी बॉडी में जो भी ग्लैंड्स होते हैं आल्सो फॉर्म बाय एपिथेलियल टिश्यू। क्लियर बिल्कुल, पोजीशन भी क्लियर थी, इनके बीच में जो इंट्रासेलुलर सब्सटेंस होता है इट इज आल्सो कॉल्ड मैट्रिक्स, जो इनको जोड़ता है के बीच में मिलता है वो न के बराबर होता है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एब्सेंट मतलब बहुत कम होता है, बहुत लिटिल अमाउंट में होता है। क्लियर बिल्कुल, आपको याद रखना है। फिर बाकी थी इनके पास रीजनरेशन पावर तो हाई है बट एवैस्कुलर होते हैं, तो ये नरिशमेंट लेते कहां से है, क्योंकि ये रेस्ट करते हैं एक ऐसी मेम्ब्रेन के ऊपर जो सेल से मिलकर के नहीं बनी होती, तो किससे मिलकर बनी होती है, वो एक प्रोटीन और फाइबर का नेटवर्क होती है, जो एक तरीके से मानो एक तरीके से घास, मानो भाई घास क्या किसी चीज को रोक पाएगी, ठीक है, परमीएबल होगी, पारगम्य होगी सबके लिए, तो इसलिए यहां से न्यूट्रिशन डिफ्यूज हो सकता है, ठीक है, तो उस पर होती है, उससे आसानी से न्यूट्रिशन मिल जाता है और उनके समझ में मेरी बात, वो आपस में भी उनके साइटोप्लाज्म में एक दूसरे से कम्युनिकेट होते हैं विद द हेल्प ऑफ गैप जंक्शन, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा गैप जंक्शन के अंदर, ठीक है। तो यानी डायरेक्ट न्यूट्रिशन कहां से मिल रहा है इनको, कनेक्टिव टिश्यू से, कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू के बीच में क्या है, नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो प्रोटीन और फाइबर के मिलने से बनती है, इसलिए आसानी से डिफ्यूजन हो जाता है। ओके सुपर, हां बेटा, ठीक है, देखो ये पैटर्न चलेगा, मैंने प्रॉमिस, अब रिवीजन के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए मैं हर क्लास में पहले रिवीजन लूंगा, ठीक है, फिर कंटिन्यूटी में हम अपना टॉपिक फिनिश करेंगे, फिर एनसीईआरटी पैरेलल करेंगे, एनसीईआरटी कराने का मेरा मतलब इतना है, आपका फेथ जनरेट हो एनसीईआरटी पर, ठीक है, नहीं तो मेरे नोट्स में सब कुछ है। एपिथेलियल स्टार्ट कर दिया था हमने, एपिथेलियल में हमने पोजीशन आपको बता दी, ठीक है, पर नर्व यहां प्रेजेंट होते हैं, इनको भी टू पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो, सिंपल कंपाउंड, सिंपल की अगर बात करते हैं, सिंपल मतलब सिंगल लेयर, कंपाउंड मतलब मल्टी लेयर, अच्छा सिंगल लेयर कहोगे, एनसीईआरटी ने एक टर्म दे रखा है सिंगल लेयर, भाई जहां पर डिफ्यूजन होगा, ठीक है, वहां सिंगल लेयर होंगे, फिल्ट्रेशन होगा, डिफ्यूजन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, सीक्रेशन होगा, वहां सिंगल लेयर होंगे। अब एनसीईआरटी ने क्या लिखा है इसके लिए, इनकी पोजीशन सिंगल लेयर, जितने भी होलो ऑर्गन होते हैं उनकी इंटरनल लाइनिंग सिंगल, यानी सिंपल एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी होती है, इतना ही नहीं, एनसीईआरटी बोलती है जो डक्ट और ट्यूब्यूल्स होते हैं उनकी इंटरनल लाइनिंग भी सिंगल, यानी सिंपल एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी होती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 710, बहुत बढ़िया, ठीक है भाई, 710 प्लस लाओगे तो रैंक फोड़ोगे, और कुछ नहीं है, ठीक है, एकदम क्लियर था, मुझे लगता नहीं है, सीटें इस बार बढ़ गई हैं, मैंने बताया हर साल सीटें इंक्रीज हो रही हैं, ठीक है। आगे हमने बात की थी सिंपल को भी क्लासिफाई किया था, सिंपल को हमने क्लासिफाई किसमें किया था भाई, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, सिंपल स्क्वायर, सिंपल क्यूबॉइड, सिंपल कॉलमनार, याद आया, ऐसे ही कंपाउंड को भी क्लासिफाई करेंगे, कंपाउंड का मतलब है मल्टी लेयर, ओनली फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट फिजिकल एंड केमिकल या मैकेनिकल स्ट्रेस। यहां तक कोई डाउट आउट है, अगर ब्रेन में एकदम सेट था कल का लेक्चर तो आग लगा दो, बस ये इंडिकेशन है कि सब एकदम बेहतर है, सुपर सुपर सुपर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमने सिंपल स्क्वेमस करा दिया था, याद हो आपको, अच्छा स्क्वेमस बता देते, सिंपल स्क्वेमस मैंने करा दिया था, सिंपल स्क्वेमस में आपको दो बातें बताई थी, पहले एनसीईआरटी का फंक्शन क्या करते हैं, सिंपल स्क्वेमस डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन, डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन, स्क्वेमस का फंक्शन डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन, ये एनसीईआरटी का फंक्शन है, भूलना नहीं है। फिर सिंपल स्क्वेमस को दो नाम भी दिए, इट इज आल्सो कॉल्ड पेवमेंट एंड टेसिलेटेड, पेवमेंट सारे सिंपल स्क्वेमस को बोलोगे, पर टेसिलेटेड सारे सिंपल स्क्वेमस को नहीं बोलोगे, ऐसे सिंपल स्क्वेमस या ऐसे पेवमेंट जिसमें इरेगुलर मार्जिन होते हैं, ठीक है, मैंने बताया एक बॉल बना रहे हो आप, उसमें आप क्यूब रख रहे हो, ईंटों को लगा रहे हो, तो उसमें लाइनें बन जाती है, ठीक है, तो इरेगुलर मार्जिन जहां पर होते हैं वो टेसिलेटेड है, तो ऐसे सिंपल स्क्वेमस या ऐसे पेवमेंट जिसमें इरेगुलर मार्जिन होते हैं वो कहां देखने को मिलते हैं, जहां भी देखने को मिलेंगे उनको टेसिलेटेड बोलेंगे, जैसे एंडोथीलियम, बहुत बढ़िया, सुपर सुपर बेटा, सुपर खतरनाक, ठीक है, एंडोथीलियम और मेसोथीलियम। फिर मैंने ये भी बताया था आपको कि जितनी भी ब्लड वेसल्स होते हैं उनकी अंदर की लेयर क्या बोलते हैं, उसको एंडोथीलियम, और जितनी भी बॉडी कैविटीज होती हैं उसकी अंदर की लेयर को क्या बोलते हैं, मेसोथीलियम। तो जैसे हमने पेरिकार्डियल कैविटी जिसमें हार्ट होता है, प्लूरल कैविटी जिसके अंदर लंग्स होते हैं, विसरल कैविटी जिसमें बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, तो इसके अंदर हमने बताया इंटरनल लेयर किससे मिलकर बनी होगी, मेसोथीलियम, ठीक है, तो मेसोथीलियम और एंडोथीलियम आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसी के बेस पर, हमने पेवमेंट और टेसिलेटेड टर्म यूज किया, पेवमेंट यानी फ्लैटेंड टाइल लाइक, जैसे आपने देखा है फ्लैटेंड, बिल्कुल फ्लैट, फ्लोर टाइल जैसे स्ट्रक्चर, जिनके बीच में इंट्रासेलुलर सब्सटेंस नो के बराबर होता है, वो तो पेवमेंट, टेसिलेटेड इरेगुलर मार्जिन, से दो ही एग्जांपल बताए मैंने, एक तो एंडोथीलियम और एक मेसोथीलियम, क्लियर है। अच्छा नॉर्मल में एग्जांपल की भी बात की थी, नॉर्मल एग्जांपल की भी बात की थी, आपसे पूछा जाए कि डिफ्यूजन फिल्ट्रेशन रेस्पिरेटरी सिस्टम में कहां हो सकता है, आपके दिमाग लगाओगे कि लोअर रेस्पिरेटरी पार्ट, वहां से गैसेस का क्या हो रहा है, डिफ्यूजन, तो लोअर रेस्पिरेटरी पार्ट की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो क्या आता है, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, तो एल्वियोलाई ऑफ लंग्स में क्या होते हैं, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू मींस पेवमेंट एपिथेलियल टिश्यू। अच्छा आपसे पूछते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में कहां होता है, डिफ्यूजन फिल्ट्रेशन, आपके दिमाग में क्या आएगा, फिल्ट्रेशन, वुमेन्स कैप्सूल, याद हो आपको वुमेन्स कैप्सूल, ठीक है, नेफ्रॉन का डायग्राम अगर आपने पढ़ा हो तो हम तो पढ़ाएंगे आपको नेफ्रॉन का डायग्राम, ठीक है, जैसे अच्छा बताता हूं मैं सेकंड वाले इसमें एग्जांपल में, तो भाई वुमेन्स कैप्सूल वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, जो फिल्ट्रेट बनता है
छनित जो बनता है फिल्ट्रेट, उससे आगे जाकर के यूरिन का फॉर्मेशन होता है डिटॉक्सिमीटर निकलने से। तो वुमेन्स कैप्सूल में फिल्ट्रेशन हो रहा है बी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, जो लूप ऑफ हेनले होता है, लूप ऑफ हेनले, नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनले, उसका डिसेंडिंग वाला पार्ट है, जो नीचे आ रहा है वो डिसेंडिंग है, जो ऊपर जा रहा है वो असेंडिंग है, जो नीचे आ रहा है जो वाटर के लिए परमीएबल या पारगम्य होता है उसकी अगर बात करते हैं तो वहां पर भी सिंपल स्क्वैमस होते हैं। तो सिंपल स्क्वैमस दो ही जगह याद रखने आपको, एक वुमेन्स कैप्सूल और एक डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले इन केस ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम या नेफ्रॉन। क्लियर, दो सिस्टम हो गए, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एंडोथेलियम आपको बता ही दिया, याद आया ना। तो बस, और बॉडी कैविटी की अगर बात करते हैं तो मेसोथेलियम बस सफिशिएंट है, तो एग्जांपल की कोई कमी नहीं है, देरो सॉल्व एग्जांपल लिखा सकते हो। पर वो पीएचडी कब कराएंगे आपको, एमबीबीएस में सिलेक्शन के बाद, ठीक है। अभी पहला टारगेट क्या है, एमबीबीएस में यानी मेडिकल कॉलेज में एंट्री करना, तो एंट्री के लिए जो नेसेसरी है वो हम कवर करेंगे विद एनसीईआरटी लाइन टू लाइन चीट फाड़ के साथ, ठीक है। तो आगे बढ़ाते हैं, टारगेट क्या बेटा, आज हम सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कवर करने वाले हैं कंप्लीट, और कंपाउंड भी कवर करने वाले हैं, ओके। तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू हमारा चल रहा था जिसमें नंबर 1 या ए बोल सकते हो, अच्छा एबीसी लिखा है तो नंबर 1 बोलेंगे, नंबर 1 सिंपल स्क्वैमस करा दिया था हमने, एग्जांपल अभी आपसे डिस्कस कर लिए, ठीक है। आप बस आप इतना करना, जैसे जैसे टिश्यू खत्म होता जाएगा ना, वैसे वैसे मिरर के सामने खुद अपने से डिस्कस करोगे टिश्यू को विद एग्जांपल, जैसे मैंने रिवीजन कराया ना, ऐसे अपने को मिरर के सामने खड़े होकर खुद रिवाइज करा देना एक बार, परमानेंटली सेट हो जाएगा, पक्की बात है, ठीक है। चलो अब बी की पार्ट, बी पार्ट लेते हैं इसका। अगर बी पार्ट की बात करते हैं तो आप किसकी बात करेंगे सिंपल स्क्वैमस के बाद, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल स्क्वैमस करा दिया था हमने, एग्जांपल अभी आपसे डिस्कस कर लिए, ठीक है। आप बस आप इतना करना, जैसे जैसे टिश्यू खत्म होता जाएगा ना, वैसे वैसे मिरर के सामने खुद अपने से डिस्कस करोगे टिश्यू को विद एग्जांपल, जैसे मैंने रिवीजन कराया ना, ऐसे अपने को मिरर के सामने खड़े होकर खुद रिवाइज करा देना एक बार, परमानेंटली सेट हो जाएगा, पक्की बात है, ठीक है। चलो अब बी की पार्ट, बी पार्ट लेते हैं इसका। अगर बी पार्ट की बात करते हैं तो आप किसकी बात करेंगे सिंपल स्क्वैमस के बाद, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल क्यूबॉइडल, ठीक है। सिंपल क्यूबॉइडल लेते हैं, सिंपल क्यूबॉइडल ऐसे टिश्यू जो दूसरे टिश्यू की आउटर या इनर, ठीक है, लाइनिंग में ग्रोथ करके लेयर बनाते हैं, एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, ठीक है। इनकी पोजीशन भी हमने लिखाई थी, ठीक है। अच्छा, पोजीशन भी हमने बताया था कि एपिथेलियल टिश्यू बेटा जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनकी आउटर लेयर बनाने के लिए रिस्पांसिबल होते हैं, नंबर 1 एपिथेलियल टिश्यू जितने भी होलो ऑर्गन या कैविटीज होते हैं या ट्रैक होते हैं, ठीक है, उनकी इंटरनल लाइनिंग भी एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी होती है। थर्ड हमने बताया था जितनी ग्लैंड्स होती हैं वो भी एपिथेलियल टिश्यू के मिलने से बनती हैं। क्लियर, बिल्कुल, यानी ग्लैंड एपिथेलियल टिश्यू, क्लियर है आपको, ठीक है। और होलो ऑर्गन होलो ट्रैक आल्सो इंटरनली लाइन बाय एपिथेलियल टिश्यू, और ऑल ऑर्गन आउटर लेयर, ठीक है, also formed by epithelial tissue including skin also formed by epithelial tissue। तो सारी फायदे epithelial tissue की पोजीशन क्लियर है। प्रॉपर्टी की बात करते हैं epithelial tissue, भाई हाई रीजनरेशन पावर होती है, पर होते कैसे, एवैस्कुलर, भाई एवैस्कुलर होते हुए भी हाई रीजनरेशन पावर, तो नरिशमेंट कहां से लेते हैं, बताया था मैंने, ये कनेक्टिव टिश्यू से लेते हैं थ्रू बेसमेंट मेम्ब्रेन। और बेसमेंट मेम्ब्रेन किस टाइप की होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन ए यानी नॉन सेलुलर नेचर की होती है। अच्छा, एपिथेलियल टिश्यू नॉन, कह सकते हो एपिथेलियल टिश्यू नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन पर स्टेबल होते हैं या उस पर रेस्ट करते हैं, जिनके पास ब्लड सप्लाई नहीं होती, मींस एवैस्कुलर होते हैं, पर नर्व सप्लाई होती है, ये ध्यान रखना, नर्व सप्लाई होती है, न्यूरॉन्स की सप्लाई यहां पर होती है, ठीक है। अच्छा, एक बात ध्यान रखनी आपको, एपिथेलियल टिश्यू बहुत सटे हुए होते हैं, मतलब बहुत नजदीक होते हैं, इनके बीच में इंटरसेलुलर सब्सटेंस न के बराबर ऑलमोस्ट एब्सेंट होता है, ऑलमोस्ट एब्सेंट होता है, ठीक है, मतलब बहुत कम होता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन किया था एपिथेलियल टिश्यू का, टू पार्ट के अंदर, सिंपल एंड कंपाउंड। सिंपल की बात करते हैं, सिंगल लेयर कंपाउंड मल्टी लेयर। सिंपल कहां होते हैं, मैंने बताया था जितने भी होलो कैविटीज होते हैं ऑर्गन होते हैं उनकी इंटरनल लाइनिंग, डक्ट और ट्यूब्यूल भी इंटरनल लाइन होते हैं इन सिंपल एपिथेलियल टिश्यू से, बट स्मॉल डक्ट एंड स्मॉल ट्यूब्यूल, ठीक है, जो मैंने डिस्कस किया था। अच्छा, एनसीईआरटी लाइन बोल रहा हूं मैं सारी की सारी, ठीक है। जिन बच्चों को लगता है सर एनसीईआरटी फॉलो नहीं कर रहे, जिनको लगता है उनसे एक रिक्वेस्ट है, ठीक है, क्या एनसीईआरटी खोल के बैठे, ठीक है, हमें बड़ा आसान होता है किसी को ब्लेम करना, ठीक है, तो आसान होता है, आपको क्या लग रहा है, मैं सारे बच्चों से पूछ रहा हूं, क्या सबसे पहले सिंपल और कंपाउंड की बात की थी, सिंपल कहां कहां पर कर रहे हैं, जहां डिफ्यूजन हो रहा है, फिल्ट्रेशन हो रहा है, सीक्रेशन हो रहा है, ठीक है, यहां सबके सिंपल कंपाउंड का है, और प्रोटेक्शन मैकेनिकल हो या केमिकल हो, इस टाइप के बहुत बढ़िया, ठीक है, इस टाइप के प्रोटेक्शन में भी सिंपल का रोल, कंपाउंड का रोल होता है प्रोटेक्शन के अंदर, ठीक है। जो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू होते हैं उनका लिमिटेड रोल होता है सीक्रेशन में, लिमिटेड रोल, यहां के बराबर होता ही नहीं, मान के चलो, ठीक है, बहुत लिमिटेड, एनसीईआरटी लाइन बोली मैंने। आगे बढ़ते हैं, सिंपल कौन क्लासिफाई किया था, सिंपल स्क्वैमस, सिंपल क्यूबॉइडल और सिंपल कॉल्यूमनार। कई बच्चों ने ऐसा सूडो स्टेटिफाइड लिखा दूंगा, ऐसी आपकी बात तो लिखा दूंगा, ठीक है, पर एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे थे तो सूडो स्टेटिफाइड पर नींद में तो नहीं आएगा, ठीक है, पर आप एक लाइन लिखना चाहते हो तो मैं लिखा दूंगा सूडो स्टेटिफाइड, कोई नहीं है, ठीक है, आपकी शक्ति बता भी दूंगा क्या होते हैं सूडो स्टेटिफाइड, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम बात करते हैं सिंपल स्क्वैमस, सिंपल स्क्वैमस का फंक्शन एनसीईआरटी में क्या दे रखा है, डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन, समझ में मेरी बात, डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन। तो इनको क्या क्या बोल सकते हैं, इनको पेमेंट भी बोल सकते हैं, इनको टेस्टिलेटेड भी बोल सकते हैं। पेमेंट का मतलब क्या होता है, पेमेंट का मतलब होता है फ्लैटेंड टाइल लाइक, फ्लैटेंड टाइल लाइक, तो सभी फ्लैटेंड टाइल लाइक पेमेंट सबको बोल सकते हैं, क्या टेस्टिलेटेड भी सबको बोल सकते हैं, नो, टेस्टिलेटेड वहां बोलेंगे जहां पर इरेगुलर मार्जिन होंगे, इरेगुलर मार्जिन होंगे, ठीक है, वहां वेरी अपीयरेंस होगी, बीच में तरीके से लाइनें होंगी, उनको बोलते हैं टेस्टिलेटेड। कहां देखने को मिलते हैं टेस्टिलेटेड, टेस्टिलेटेड दो देखने को मिलेंगे, एक तो मैंने बताया जो आपके सिलेबस में एग्जांपल हम यूज कर रहे हैं आपके लिए, दो एग्जांपल, एक तो मैंने बताया एंडोथेलियम और दूसरा मैं एग्जांपल लिया मेसोथेलियम। एंडोथेलियम मैंने एक्सप्लेन किया था, आपके ब्लड और लिम्फ वेसल्स के अंदर क्लियर होती है, वो एंडोथेलियम होती है, ठीक है। और अगर मेसोथेलियम की बात करते हैं तो हमारी बॉडी की जो इंटरनल कैविटीज होते हैं, तीन कैविटी बताई थी हमने, भाई हार्ट की कैविटी, पेरिकार्डियल कैविटी, लंग्स की कैविटी, प्लूरल कैविटी और विसरल कैविटी, जिसमें बॉडी के ऑर्गन होते हैं, ठीक है, विसरल कैविटी वो भी इंटरनल लाइनिंग होती है उसकी, क्या मेसोथेलियम। तो मेसोथेलियम इज इंटरनल लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी। तो ये मैं एग्जांपल आपको टेस्टिलेटेड के बताए थे, कॉमन एग्जांपल मैंने सिस्टम के जिस पर बताए थे आपको, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम एनसीईआरटी ने बोला है, कंसेप्ट समझ में आ गया, वो कंसेप्ट का मतलब जहां से डिफ्यूजन पॉसिबल है वहां से सिंपल उसके मतलब टिश्यू मिलेंगे, यानी रेस्पिरेटरी जोन। एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, भाई आप लोगे भाई एनसीईआरटी लिखा है एल्वियोलाई, या कह सकते हो, ठीक है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले नीचे आता हुआ यहां पर होंगे। अगर हम सर्कुलेटरी की बात करते हैं तो एंडोथेलियम और हमने हार्ट का इंटरनल लाइन बताई दिया था आपको, ठीक है, बॉडी कैविटी की बात करते हैं तो बॉडी कैविटी मैंने बोला था मेसोथेलियम। तो ये एग्जांपल आपको सिंपल स्क्वैमस याद रखने, क्यूबॉइडल की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा एग्जांपल याद नहीं रख पाओगे और रखने भी नहीं है, क्योंकि आज हम सिस्टम पढ़ाते जाएंगे, जो रिमेनिंग चीजों की वहां उसको ऐड करा देंगे। अभी टिश्यू वाले चैप्टर से क्वेश्चन आएगा मोर देन सफिशिएंट, ठीक है, पीएचडी नहीं कराना, आपको सिर्फ एंटर कराना है मेडिकल कॉलेज में और कुछ नहीं, ठीक है। तो आप क्यूबॉइडल की बात करते हैं, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर का न्यूक्लियस सेंटर में सभी के होता है, इसके भी है, इनको टू पार्ट डिवाइड कर सकते हो, ब्रश बॉर्डर, ब्रश बॉर्डर और नॉर्मल क्यूबॉइडल। नॉर्मल क्यूबॉइडल का बोलते हैं भाई, नॉर्मल क्यूबॉइडल जो नेफ्रॉन का ट्यूबुलर पार्ट है मैक्सिमम आप देखने को मिलते हैं, जैसे
असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, इनमें नॉर्मल क्यूबिटल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे पूछें कि गोनेड्स में क्या होते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ गोनेड्स, आल्सो फॉर्म बाय नॉर्मल क्यूबिटल, ग्लैंड्स में क्या होते हैं, मैंने आपको एग्जांपल दिया था थायरॉइड के वेसिकल्स, ठीक है, थायरॉइड के अंदर वेसिकल्स होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, थायरॉइड का फॉर्मेशन होता है वो सिंपल या नॉर्मल, ठीक है, कह सकते हो क्यूबिटल एपिथेलियम टिश्यू में होते हैं। इसके अलावा हमारी ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, उनकी डक्ट, स्मॉल डक्ट, ठीक है, और स्मॉल डक्ट या ट्यूब जो इंटरनल पार्ट है जो सीक्रेशन में पार्टिसिपेट करता है ग्लैंड्स का, वो भी नॉर्मल क्यूबिटल के मिलने से ही बनता है। जैसे पैनक्रियास, इसको हिंदी में अग्न्याशय बोलते हैं, ठीक है, जैसे, ठीक है, जो अपने इंटरनल अपने ग्लैंड्स मिल रहे हैं उनकी बात करूं, सैलिवरी ग्लैंड की बात कर सकते हो, ठीक है, तो इनकी स्मॉल डक्ट। तो ये मैंने आपको 4-5 एग्जांपल बता दिए थे और आपके दिमाग में सेट हो गए थे, क्लियर बिल्कुल। अब बात करते हैं ब्रश बॉर्डर, तो ब्रश बॉर्डर पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन, पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन, ये भी याद हो जाएगा। अब फाइनली हमने बात की थी कॉल्यूमनार, कॉल्यूमनार का मतलब मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे, जैसे मैंने आपको बोला था कि सीलिया, सीलिया कहां कहां मिलते हैं, सीलिया या तो क्यूबर्डल में मिलते हैं या कॉल्यूम मनार में मिलते हैं, ठीक है, क्यूबर्डल या कॉल्यूम मनार के अंदर, याद रखना आपको। सीलिया दो टाइप के होते हैं, मोटाइल और नॉन मोटाइल। अगर मोटाइल सीलिया की बात करते हैं तो मोटाइल सीलिया में 9+2 का अरेंजमेंट होता है, पेयर में 9 और सिंगल सिंगल नीचे अनपेयर्ड होते हैं, ठीक है, समझ गया ना मेरी बात। कुछ बच्चों ने कमेंट में कुछ और चीजें लिख दी है, सोचो किसने क्या लिखा है, ठीक है, तो एक बार देखा करो, तब बोला करो, ठीक है। ऐसे अगर बात करते हैं नॉन मोटाइल सीलिया, उनमें 9+0 का अरेंजमेंट होता है, 9 ट्यूबुलिन प्रोटीन, ठीक है, पेयर में होती है, पेरिफेरी पर, सेंटर में कोई भी नहीं होती, मतलब 0, तो 9+2 का अरेंजमेंट होता है, ठीक है, क्लियर बिल्कुल। तो यहां तक मुझे लगता नहीं कोई डाउट होगा मोटाइल और नॉन मोटाइल वाला पार्ट, ठीक है। फाइनली हमने बात बोली थी आपसे, अगर हम आपसे कहते हैं गोबलेट सेल ओनली प्रेजेंट इन कॉल्यूमनार, या कॉल्यूमनार का ही मॉडिफिकेशन होता है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, मतलब उसी का रूपांतरण है, उसी से मॉडिफाइड हुआ है, ठीक है, जो एनसीईआरटी में जिक्र नहीं है, पर मैं उसको करा दूंगा, कोई नहीं, आज आपने बोला है, तो 9+0 और 9+2, बहुत बढ़िया, तो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड मैं करा दूंगा, ठीक है। तो क्लियर बिल्कुल, सीलिया ओनली प्रेजेंट इन कॉल्यूमनार एंड क्यूबॉइडल, गोबलेट सेल ओनली प्रेजेंट इन कॉल्यूमनार या कॉल्यूमनार का मॉडिफिकेशन, ध्यान रखना आपको, ठीक है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, दो बातें क्लियर थी, मतलब यहां पर कोई डाउट होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमने बात की थी कॉल्यूमनार के एग्जांपल, नॉर्मल कॉल्यूमनार, ब्रश बॉर्डर कॉल्यूमनार, सिलिएटेड, मैकाइनोसिलिएटेड और स्टीरियोसिलिएटेड। नॉर्मल कॉल्यूमनार गट में मिलने वाले ग्लैंड्स, गट में मिलने वाले ग्लैंड्स, ब्रश बॉर्डर कॉल्यूमनार की बात करते हो तो जाना ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस, माइक्रोविलाई फॉर एब्जॉर्प्शन, तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन इन्हीं से मिलकर बनी होती है फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ठीक है। इसके अलावा गॉल ब्लैडर में एग्जांपल लिखा हुआ है। अगर टाइनोसिलिएटेड की बात करते हैं तो एग्जांपल लिखा है मैंने अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, ठीक है, साथ में मैंने फेलोपियन ट्यूब एग्जांपल लिखा हुआ है। और अगर हम बात करते हैं स्टीरियोसिलिएटेड, तो स्टीरियोसिलिया में एक बात ध्यान रखनी है आपको, तीन एग्जांपल क्या क्या, नंबर 1 स्टीरियोसिलिया में तीन एग्जांपल ध्यान रखना है, ठीक है। नंबर 1 हमने बात की यहां पर स्टीरियोसिलिएटेड कॉल्यूमनार के अंदर, एक आपको ध्यान रखना है इसके अंदर एपिडर्मिस, वास डिफरेंस और इंटरनल लेयर, बस इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। स्टीरियोसिलिएटेड आप चाहो तो मैं करा दूंगा, लेकिन स्टीरियोसिलिएटेड कुछ नहीं है, ठीक है। तो अपर होंगे तो इसमें बता दिया था। सर ने बाद में बात की थी क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैंड्स। अब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो पहला क्लासिफिकेशन किसके बेस पर किया है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल के बेस पर यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर का एग्जांपल मैंने क्या बताया, यूनिसेलुलर गोबलेट सेल और पैनिक सेल, ताकि मल्टीसेलुलर की बात करते हैं तो इनको छोड़ के ऑल आर मल्टीसेलुलर, ऐसे याद रखोगे तो भाई याद रहेगा, ठीक है। तो कर दिया हमने, फिर हमने एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन के बेस पर क्लासिफिकेशन किया है, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और हेटेरोक्राइन, जिनके पास डक्ट है और अपने सीक्रेटरी सिस्टम को डायरेक्ट टारगेट पर रिलीज करते हैं, डायरेक्ट टारगेट टू पर रिलीज कर रहे हैं, वो क्या है, एक्सोक्राइन, जिनके पास डक्ट नहीं है, फिर से बताओ, जिनके पास डक्ट नहीं है जो अपने सिस्टम को बॉडी फ्लूइड में रिलीज करते हैं, एंडोक्राइन, ऑल हार्मोन रिलीजिंग ग्लैंड्स आर एंडोक्राइन, हेटेरोक्राइन जिनमें दोनों ही प्रॉपर्टी होती है, जैसे पैनक्रियास हिंदी में अग्न्याशय बोलते हैं, जो डाइजेस्टिव एंजाइम को निकालता ही है ड्यूटेनम में, और साथ साथ में इंसुलिन, ग्लूकागॉन, ठीक है, और सोमाटोस्टैटिन जैसे हार्मोन भी निकालता है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हिंदी में बोलते हैं, लैंगरहैंस की द्वीपिका, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जानते ही हो आप, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, तो ये पैनक्रियास, टेस्टिस और ओवरी, ये तीनों हेटेरोक्राइन है, ऑल हार्मोन रिलीजिंग ग्लैंड्स आर, ऑल हार्मोन रिलीजिंग ग्लैंड्स आर, ध्यान रखना है आपको, एंडोक्राइन और रिमेनिंग ऑल आर आपको याद रखना क्या, एक्सोक्राइन, जैसे सलाइवा सीक्रेटिंग ग्लैंड, मिल्क सीक्रेटिंग ग्लैंड, ठीक है, ऐसे आप याद रखो, मजा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक क्लासिफिकेशन चाहो तो एक और कर सकते हो, कर दो, जब दिक्कत नहीं है, सी ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ सीक्रेशन, अगर आप रेगुलर क्लास ज्वाइन कर रहे हो बेटा तो आप मास्टरी तो कर, मीरोक्राइन, मीरोक्राइन, एक होता है होलोक्राइन, मान लो सेल है, ये एक सेल है भाई, ये भी बताया आपको, न्यूक्लियस का फॉर्मेशन, क्लियर बिल्कुल, प्रोटीन का फॉर्मेशन चालू हो जाए, अब क्या होगा आगे, अब क्या होगा आगे, आगे जाकर के इनके ब्रेक होने से छोटे 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 पार्ट बनेंगे, क्या बोलते हैं इसको, गॉल्जी बॉडी, साइकोलॉजी तो पढ़ी होगी, थोड़ी बहुत चलेगा, ठीक है, गॉल्जी बॉडी, ये क्या हो गया, तो डीएनए से आरएनए बाहर निकला, प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ, और ये प्रोटीन टूट के बेटा इनके फ्रेगमेंट होकर के ये एंडोप्लाज्म रेटिकल से गॉल्जी बॉडी बन जाएंगे, और गॉल्जी बॉडी के ब्रेक होने से बनते हैं गॉल्जी वेसिकल्स, ये गॉल्जी हो रहे हैं यहां से, ये वेसिकल्स हो जाएंगे, तो ये नॉर्मल ग्लैंड के सीक्रेट करने का तरीका है बाय डिफ्यूजन, नॉर्मल ग्लैंड इस तरीके से क्या करती है, बाय डिफ्यूजन बाहर निकालती है, बाय डिफ्यूजन, ठीक है, क्योंकि आगे तो बहुत सारी चीज पढ़ने वाले, बात बात पर चीज आएगी, ठीक है, एकदम क्लियर कर लो कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, तो कोई भी सेल किस तरीके से किसी चीज को रिलीज करती है, तरीका क्या है उसका रिलीज करने का, ये तरीका, क्लियर बिल्कुल। तो बस समझना, अगर इस तरीके से सीक्रेशन हो रहा है, नीरोक्राइन टाइप ऑफ सीक्रेशन, पर अगर मान लो इस सेल के टर्मिनल वाले पार्ट में सारे वेसिकल्स एक्युमुलेट हो रहे हैं, सारे वेसिकल्स, सेल का ये वाला पार्ट ही नॉर्मल सेल से धीरे-धीरे अलग होना चालू हो गया, धीरे-धीरे नॉर्मल सेल से अलग होना चालू हो गया, ये अलग हुआ, ये अलग हुआ, अलग करके बिल्कुल टूट के अलग चला गया, बिल्कुल टूट के अलग निकल गया, ये टूट के बिल्कुल अलग निकल गया, बाहर निकल गया, तो सेल का अगर एपिकल वाला पार्ट इन वेसिकल को लेकर के बाहर निकल रहा है, तो इसको एपोक्राइन टाइप्स ऑफ सीक्रेशन बोलते हैं, सेल में डिफ्यूजन से धीरे-धीरे एक्सोसाइटोसिस से जो भी सीक्रेटरी सिस्टम से बाहर निकल रहा है, इसको हम मीरो टाइप्स ऑफ सीक्रेशन बोलते हैं, ठीक है। अगर पूरी सेल ही बाहर निकल गई एक्सोसाइटोसिस, तो इसको हम ध्यान रखना है होलोक्राइन टाइप्स ऑफ सीक्रेशन बोलते हैं, होलोक्राइन, ठीक है, चलो।
जैसे गट का ओरिजन, अगर मैं मोस्टली गट होती है स्पेशली हमारी मिड गट, तो मिड गट का ओरिजन क्या होता है भाई? एंडोडर्मल। तो वहां जो एपिथेलियल टिश्यू होंगे उनका ओरिजन भाई उसमें है ही क्या, ठीक है? तो उसका ओरिजन क्या होगा? एंडोडर्मल। ऐसे ही मैंने एक्टोडर्मल भी एपिडर्मिस की बात की थी, तो एपिडर्मिस क्या है भाई? एक्टोडर्मल है। तो समझ रहे हो मेरी बात? तो वहां पर जो एपिथेलियल टिश्यू होंगे उनका ओरिजन एक्टोडर्मल होगा। ऐसे ही हमने मेसोडर्मल की बात की थी, तो यहां वेरिएशन देखने को मिलते हैं। जबकि अगर मैं मस्कुलर की बात करता हूं ओरिजन मेसोडर्मल, ठीक है? अगर हम बात करते हैं कनेक्टिव की ओरिजन मेसोडर्मल, और अगर नर्वस टिश्यू की बात करते हैं ओरिजन एक्टोडर्मल। साफ-साफ है, ठीक है? इसमें कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, ठीक है? आगे हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने बात की थी एपिथेलियल, एपिथेलियल टिश्यू में हमने बताया था कि जो फ्री सरफेस होती है या तो डायरेक्ट एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में होती है या डायरेक्ट बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में होती है, पहली बात। दूसरा तरह की पोजीशन, बॉडी में जितनी भी कैविटी होती है उनकी इंटरनल लाइनिंग किससे लाइन होती है? एपिथेलियल टिश्यू से। इसके अलावा जितने इंक्लूडिंग स्किन, ठीक है, एक्सटर्नल और इंटरनल लाइनिंग और जितने भी होलो ट्रैक होते हैं, हर ऑर्गन की एक्सटर्नल लाइनिंग, इंटरनल अगर होलो ऑर्गन है तो इंटरनल लाइनिंग, होलो ट्रैक है, इंटरनल लाइनिंग फॉर्म बाय एपिथेलियल टिश्यू। इसके अलावा बॉडी में जो ग्लैंड्स होते हैं इनका फॉर्मेशन भी एपिथेलियल टिश्यू से होता है, स्पेशली सिंपल एपिथेलियल टिश्यू से। क्लियर था बिल्कुल? हम आगे बढ़ते बेटा, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को मैं कंटिन्यू किया था। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है? सॉरी, एपिथेलियल टिश्यू को टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, सिंपल और कंपाउंड। अगर सिंपल की बात करते हैं सिंगल लेयर, कंपाउंड की बात करते हैं मल्टी लेयर फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल एंड केमिकल स्ट्रेसेस। अगर हम बात करते हैं बेटा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, तो एनसीआरटी की एक लाइन है, ठीक है? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू जितने भी कैविटीज होते हैं उनकी इंटरनल लाइनिंग बनाती है, डक्ट और ट्यूबल की इंटरनल लाइनिंग बनाती है, जहां मिली क्या होता है डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन, एब्जॉर्प्शन, सीक्रेशन एटसेट्रा। समझ में आ गया? तो यहां पर क्या होंगे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को हमने डिवाइड किया किसमें? ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजी, सिंपल स्क्वामस, सिंपल क्यूबॉइड, सिंपल कॉलुमना या कॉलुमनार का मॉडिफिकेशन स्टीरोस्ट्रेटिफाइड। क्लियर? अगर बात करते हैं सिंपल स्क्वामस, तो इनको हम क्या क्या बोल सकते हैं? देखो, टिश्यू की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है? अगर टॉटोरा देखोगे या कोई और बुक देखोगे, अपार, ठीक है, बहुत, मतलब टिश्यू के ऊपर बुक ही है पूरी की पूरी, मैं क्या बताऊं, टिश्यू के ऊपर है, तो लिमिट नहीं है। तो अब आपको बस ये ध्यान रखना है कि मतलब बहुत ज्यादा ज्ञान लेना है या नीट को फोकस करना, आप दो तीन चैप्टर में समझ जाओगे कि हाँ यार बिल्डअप किस तरीके से करना है, कनेक्टिविटी कैसे। फ्लैटेंड टाइल लाइक अपीयरेंस, जबकि टेसिलेटेड मींस क्या होता है? जहां पर वेवी अपीयरेंस एपिथेलियल टिश्यू को बोलते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी बोलती है पेवमेंट मींस फ्लैट, इनको हम पेवमेंट भी बोल सकते हैं, इनको टेसिलेटेड भी बोल सकते हैं। आप दो तीन चैप्टर में समझ जाओगे कि हाँ यार बिल्डअप किस तरीके से करना है, कनेक्टिविटी कैसे कनेक्ट करनी है, और किस तरीके से आगे चलें, ठीक है, जिससे कि बेहतरीन परफॉर्मेंस आप दे पाओ। तो फाइनली मैं बात की थी यहाँ पर किसी भाई सिंपल स्कीमा एपिथेलियल टिश्यू क्या बोल सकते हैं, इनको पेवमेंट भी बोल सकते हैं, टेसिलेटेड भी बोल सकते हैं। पेवमेंट हम सारे सिंपल स्कीमा एपिथेलियल टिश्यू को बोलते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी बोलती है पेवमेंट मींस फ्लैटेंड टाइल लाइक अपीयरेंस, जबकि टेसिलेटेड मींस क्या होता है? जहां पर वेवी अपीयरेंस होती है, जहां पर वेवी अपीयरेंस होती है, समझ रहे हो ना? यानी जिगजैग या कहते तो बीच में इरेगुलर मार्जिन देखने को मिल रहे हैं, आप समझ रहे हो, इरेगुलर मार्जिन देखने को मिल रहे हैं, तो वहां पर टेसिलेटेड टर्म यूज करेंगे। टेसिलेटेड में दो ही जगह बताया आपको, एक तो एंडोथेलियम और एक मेसोथेलियम। एंडोथेलियम ब्लड और लिम्फ वेसल्स की इंटरनल लाइनिंग होती है, ब्लड और लिम्फ वेसल्स की इंटरनल लाइनिंग होती है। जबकि अगर मेसोथेलियम की बात करते हैं, इट इज द इंटरनल लेयर ऑफ या इंटरनल लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी। कैविटी हमने आपको थ्री बताए थे, पेरिकार्डियल, पेरिविसरल और प्लूरल कैविटी। इंटरनल लाइनिंग किस में बनी होगी? सिंपल स्क्वामस। क्या बोलेंगे इसको? टेसिलेटेड। क्यों? क्योंकि यहां पर इरेगुलर मार्जिन देखने को मिल रहे हैं। सॉरी, यहां तक कोई डाउट? एकदम सेट है ब्रेन के अंदर। अब हम इसके एग्जांपल की बात की थी, रेस्पिरेटरी सिस्टम में कहां पर होंगे सिंपल? भाई सिंपल का मतलब सिंगल लेयर, फ्लैट इन। तो जहां से क्या होगा? स्क्वामस। तो कहां क्या होगा? डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन कहां पर होता है? क्योंकि सिंपल स्क्वामस का एक ही फंक्शन है, ठीक है, डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का लोअर पार्ट है, स्पेशली एल्वियोलाई, वहां पर देखने को मिलेंगे फॉर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। अगर हम बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो वुमेन्स कैप्सूल, वहां क्या हो रहा है? फिल्ट्रेशन, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहां पर, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम, तो मैंने आपको क्या बताया था? एंडोथेलियम ऑफ ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स, इट इज आल्सो प्रेजेंट इन या फॉर्म इंटरनल लाइनिंग ऑफ हार्ट, वो मैं कहूंगा हार्ट के अंदर। फाइनली हमने मेसोथेलियम को बता दिया था। क्यूबल की बात करते हैं, क्यूब शेप, ठीक है, इनको टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। हमने थ्री पार्ट में लास्ट ईयर डिवाइड किया था, उसकी जरूरत नहीं है सिलेटेड की, ठीक है। तो मेनली टू पार्ट्स आपको दिमाग में रखने, नंबर 1 मैंने तो नॉर्मल क्यूबल, नंबर 2 ब्रश बॉर्डर क्यूबल। नॉर्मल क्यूबल की अगर हम बात करते हैं, तो गोनेट्स में कहां पर? जर्मिनल एपिथेलियम। अगर हम ग्लैंड्स की बात करते हैं, तो कहां पर? भाई ग्लैंड्स में मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, थायरॉइड ग्लैंड्स, उसमें जो वेसिकल्स होते हैं उसका भी फॉर्मेशन क्यूबल, नॉर्मल क्यूबल एपिथेलियल टिश्यू से होता है। इसके अलावा जो हमारी ग्लैंड्स होती हैं लाइक पैनक्रियास, ठीक है, एटसेट्रा, सलाइवरी ग्लैंड, इनकी जो स्मॉल ट्यूब्यूल्स से डक्ट होते हैं वो इंटरनल लाइन होते हैं क्यूबल से, सेक्रेटरी डक्ट, ठीक है। तो ग्लैंड्स के अंदर भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं बेटा नॉर्मल क्यूबल की बात कर रहे हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम में कहां? भाई मोस्टली एक्सक्रीटरी सिस्टम में नॉर्मल क्यूबल ही मिलते हैं। जैसे जैसे अगर हम बात करते हैं, तो मैंने आपको बोला था कि असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट, तीनों जगह क्या होते हैं? नॉर्मल क्यूबॉइडल। एकदम ब्रेन में सेट है ना? एकदम सेट है ना? यस या नो?
नेफ्रॉन, हाँ बेटा नेफ्रॉन, ट्यूब्यूल और डक्ट में मैंने डिफरेंस बता दिया था आपको, ठीक है। ऑर्गन के अंदर जो नेटवर्क होता है स्मॉल और लार्ज, ठीक है, कैनाल लाइक स्ट्रक्चर, उनको आप ट्यूब्यूल बोल सकते हो, और ऑर्गन के बाहर की साइड में निकलते हैं उनको आप डक्ट बोल सकते हो, ठीक है, सेम वही मैकेनिज्म, ठीक है। फिर हमने फाइनली बात की थी, इसके बाद हम आगे बढ़े थे, हमने बात की थी बेटा कुछ स्पेसिफिक पॉइंट, जैसे सीलिया की बात की थी, भाई सीलिया सिर्फ ट्यूबोडेनम में मिल सकते हैं, कॉलीमनार में मिल सकते हैं, स्क्वैमस में नहीं मिल सकते। गोब्लेट सेल की बात की थी, ओनली कॉलीमनार में होंगे, ओनली कॉलीमनार में होंगे और कहीं नहीं होंगे। गोब्लेट सेल या कॉलीमनार का मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन क्या है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, स्यूडो मींस फॉल्स, स्ट्रेटिफाइड मींस मल्टीलेयर, लगते हैं मल्टीलेयर फ्रैक्चर में होते नहीं है, क्लियर बिल्कुल, यहां तक एकदम क्लियर होना चाहिए। फाइनली हमने इसकी बात की थी, बहुत बढ़िया, सुपर सुपर। फाइनली हमने इसकी बात की थी कॉलीमनार, अगर हम कॉलीमनार के रिलेटेड इशू की बात करते हैं तो कॉलीमनार को भी फोर पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, पर उससे पहले न्यूक्लियस ओवल शेप प्रेजेंट नियर द बेस, बेस के पास होंगे, ठीक है। वर्ड वही है जो ट्यूबोडल का है, सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, सेम ट्यूबोडल और कॉलीमनार का एक ही वर्ड है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी कोर कांसेप्ट समझने के लिए हमने इसको फोर पार्ट में डिवाइड किया, नॉर्मल कॉलीमनार जो गट में मिलने वाले ग्लैंड्स के अंदर होते हैं, ठीक है, ब्रश बॉर्डर कॉलीमनार स्पेशली स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन में नॉर्मल कॉलीमनार मिल जाएंगे, पर स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्रश बॉर्डर कॉलीमनार मिलेंगे फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ठीक है। अगर यूनी की बात करते हैं तो हमने दो एग्जांपल लिखा है, गोब्लेट सेल तो एनसीईआरटी ने गोब्लेट सेल दे रखा है, पर नीट में एक आया हुआ क्वेश्चन है इसमें पेनिस सेल भी था, नो डाउट पेनिस सेल हम डाइजेस्टिव सिस्टम में लिखाते हैं, दो एग्जांपल याद रखने, यूनी सेलुलर इसको छोड़ के रिमेनिंग वाला मल्टी सेलुलर, क्लियर बिल्कुल। फाइनली हमने भाई हमने डक्ट की प्रेजेंस और एब्सेंस के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन किया था, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन और हेटरोक्राइन, तो हेटरोक्राइन में तीन एग्जांपल याद रखने आपको, पैनक्रियास टेस्टिस ओवरी, ये एक्सोक्राइन भी होते हैं और एंडोक्राइन भी होते हैं। एक्सोक्राइन का मतलब होता है जो डक्ट की हेल्प से अपने सेक्रेटरी सिस्टम को डायरेक्ट टारगेट पर यूज करते हैं, एंडोक्राइन का मतलब होता है जिनके पास डक्ट नहीं होते अपने सेक्रेटरी सिस्टम को बॉडी फ्लूइड के थ्रू टारगेट तक पहुंचाते हैं, बॉडी फ्लूइड के थ्रू एंडोक्राइन होते हैं, तो टेस्टिस ओवरी और पैनक्रियास, ठीक है, ये हेटरोक्राइन हो गए। एंडोक्राइन का एग्जांपल ऑल हार्मोन रिलीजिंग ग्लैंड, इनको छोड़ करके जो भी दिमाग में आ रहा है ना, ऑल आर एक्सोक्राइन, ठीक है, चाहे मिल्क रिलीज हो, सलाइवा रिलीज हो, एंजाइम रिलीज हो, म्यूकस रिलीज हो, गोब्लेट सेल म्यूकस रिलीज करने वाले, डक्ट नहीं होती, पर किसमें कम काउंट किया इसको, एक्सोक्राइन में, क्योंकि अपने सेक्रेटरी सिस्टम को डायरेक्ट टारगेट के ऊपर रिलीज करते हैं। ओके, एकदम ब्रेन में सेट, बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। आपने एक टाइप और ऐड किया था, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ सीक्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ सीक्रेशन दीज आर, ठीक है, आल्सो क्लासिफाई इनटू थ्री ग्रुप, नंबर 1 न्यूरोक्राइन, नंबर 2 एपोक्राइन, नंबर 3 होलोक्राइन। म्यूरोक्राइन मोस्टली बॉडी के ग्लैंड म्यूरोक्राइन ही होते हैं, मोस्टली म्यूरोक्राइन, ठीक है। नॉर्मल स्वेट ग्लैंड भी म्यूरोक्राइन नेचर के होते हैं, पर एपोक्राइन, दो एग्जांपल याद रखने, एक्सिलरी, एक्सिलरी स्वेट ग्लैंड जो आर्मपिट्स में होते हैं, जनरल पार्ट के अराउंड भी होते हैं, ठीक है। और नंबर 2 हमने इसमें आपको बताया था, ठीक है, मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड, ठीक है, एपोक्राइन है, एपिकल पार्ट रिलीज द सीक्रेशन। एक हमने बात की थी होलोक्राइन, होलो का मतलब एंटायर सेल रिलीज द सीक्रेशन, पूरी की पूरी सेल एपिथेलियम से बाहर से निकल रही है, उसके पीछे दूसरी सेल बन जाती है, ठीक है, तो एंटायर सेल रिलीज द सीक्रेशन होलोक्राइन। ऑल वैक्स या ऑयल सीक्रेटिंग ग्लैंड, इट इज आल्सो कॉल्ड सीबेसियस ग्लैंड, इसको सीबेसियस ग्लैंड भी बोल सकते हो, ऑयल और वैक्स रिलीजिंग ग्लैंड को सीबेसियस ग्लैंड, क्लियर बिल्कुल। ये ग्लैंड वाला पार्ट हमारा कंप्लीट था, फिर हमने कंपाउंड एपिथेलियम स्टार्ट किए थे, कंपाउंड कम ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं भाई, कैसे कैसे, स्ट्रेचेबल और नॉन स्ट्रेचेबल। भाई स्ट्रेचेबल कहां होते हैं, मोस्टली जो स्ट्रेचेबल, भाई जो स्ट्रेचेबल स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं वो आपको कहां देखने को मिल रहा है, स्ट्रेचिंग बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। जैसे मैं यूरिनरी सिस्टम की बात की, जैसे मैं बात की पेल्विस, यूरिटर, यूरिनरी ब्लैडर, प्रॉक्सिमल यूरेथ्रा, ठीक है, इसके अलावा यूट्राइन वॉल के अंदर भी स्ट्रेचेबल देखने को मिल जाते हैं, पर मेनली यूरिनरी सिस्टम में मिलते हैं, सो इट्स कॉल्ड यूरी, सो इट्स कॉल्ड, ठीक है, यूरोथीलियम, थीलियम मतलब लेयर बना रहे हैं, यूरिनरी सिस्टम की लेयर, यूरोथीलियम तब यूज करेंगे इसके लिए, तो आपको याद ही होगा। इसके साथ हमने इसके अलावा डिवाइड किया था नॉन स्ट्रेचेबल, जिनको कॉमनली टर्म यूज करते हो स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड मतलब मल्टीलेयर, मल्टीलेयर ये भी है, और जो स्ट्रेचेबल प्रॉपर्टी रखते हैं कि नॉन स्ट्रेचेबल है, सेम क्लासिफिकेशन, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबोडल, स्ट्रेटिफाइड कॉलीमनार, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस और क्यूबोडल याद रखने हैं, कॉलीमनार का खैर ज्यादा जिक्र नहीं है, पर फिर भी मैं बता दिया है आपको। स्क्वेमस में क्या करना है भाई, क्रेटिनाइज, नॉन क्रेटिनाइज, क्रेटिनाइज का मतलब क्रेटिन प्रोटीन का डिपोजिशन जहां पर हो रहा है वो क्रेटिनाइज है, जहां क्रेटिन प्रोटीन का डिपोजिशन नहीं हो रहा वो नॉन क्रेटिनाइज है, तो क्रेटिनाइज कहां पर होंगे, आप लोगों के हेयर में क्रेटिन प्रोटीन होती है, स्किन में क्रेटिन प्रोटीन होती है, आप लोगों के सर हमारे नेल्स में क्रेटिन प्रोटीन होती है, तो नो डाउट यहां पर क्रेटिनाइज मल्टीलेयर, समझ रहे हो, स्ट्रेटिफाइड इशू है स्क्वेमस। जबकि नॉन क्रेटिनाइज की बात करते हैं तो गट में आपको फॉर एग्जांपल एक तो बकल कैविटी, ओरल कैविटी, इंटरनल ईयर, ठीक है, इंटरनल सॉरी इंटरनल माउथ इंटरनल कैविटी, ओरल कैविटी, फिर बात की फेरिंग्स, फिर बात की ईसोफेगस और लास्ट में एनल कैनाल, ये चार बातें याद रखनी है। मल्टीलेयर यहां से एब्जॉर्प्शन नहीं होता, जहां सिंगल लेयर होंगे वहां से एब्जॉर्प्शन होता है, स्टमक और इंटेस्टाइन में सिंगल लेयर होते हैं, कॉलीमनार होते हैं, तो यहां से एब्जॉर्प्शन होता है, एकदम ब्रेन में सेट होना चाहिए। धीरे धीरे हम सेट करते आगे बढ़ेंगे, ठीक है, आगे अगर बढ़ते हैं बेटा तो हम समझ पाते हैं, ठीक है, और कहां मिलते हैं, वजाइना में मिलते हैं, और कहां मिलते हैं, कॉर्निया भी एक एग्जांपल है, मल्टीलेयर होते हैं। इसके अलावा अगर बात करते हैं क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल मल्टीलेयर की, जब भी क्यूबॉइडल की बात आएगी, चाहे वो सिंगल लेयर हो मल्टीलेयर हो, वो डक्ट में जरूर मिलेगा, ठीक है, अंदर इतना है, सेक्रेटरी जो स्मॉल डक्ट होते हैं उनमें सिंगल लेयर क्यूबॉइडल, जो लार्ज डक्ट होते हैं उसमें मल्टीलेयर क्यूबॉइडल, ठीक है, जैसे पैनक्रियाटिक डक्ट, जैसे सलाइवरी ग्लैंड की डक्ट, ठीक है, मेमरी ग्लैंड की डक्ट, इनके जो लार्ज डक्ट होते हैं उसमें मल्टी लेयर क्यूबॉइडल होते हैं। कॉलीमनार का मैंने आपको एक एग्जांपल लिखा है, ठीक है, कंजक्टिवा ऑफ आईज और एनल कैनाल में भी देखने को मिल जाते हैं, कोई डाउट बेटा, एकदम सेट होना चाहिए, यहां तक एकदम परफेक्ट, एकदम खतरनाक तरीके से ब्रेन में छप जाना चाहिए, मतलब मिरर के सामने खड़े होकर पूरा टिश्यू आप एक बार में सुना दो, बहुत बड़ी बात है,
टिशू समझना और टिशू एकदम फ्लुएंसी में आना, तो इसको एक दो बार प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। टिशू बहुत कॉम्प्लेक्स है, टिशू बहुत बोरिंग भी है, नो डाउट बच्चे की बात की याद हो आपको। जंक्शन भाई जो क्या करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, कनेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एपिथेलियल टिशू में मोस्टली सारे जंक्शन मिल जाते हैं, पर नर्वस टिशू और मस्कुलर टिशू में गैप जंक्शन देखने को मिलते हैं। आपके सिलेबस में तीन टाइप के जंक्शन है, टाइट जंक्शन, एडहेरेंस जंक्शन और गैप जंक्शन। अगर हम टाइट जंक्शन की बात करते हैं, टाइट जंक्शन कहां देखने को मिलते हैं, टाइट जंक्शन तो लीकेज को रोकने का काम करते हैं, लीकेज को रोकने का काम करते हैं, वो टाइट जंक्शन है। स्टमक, इंटेस्टाइन, मैंने कहा यूरिनरी रिवर, पानी पिया भाई, रामू शामू ने पानी पिया तो क्या हुआ, पेट फूला, टाइट जंक्शन है, दिक्कत की कोई बात नहीं है। पानी कहां गया, इंटेस्टाइन में, समझ लो ना, लीकेज नहीं होगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइट जंक्शन लगे हुए। अब वाटर एब्जॉर्ब होता पहुंचेगा, ब्लड में, ब्लड से फिट होगा, यूरिनरी ब्लैडर, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो भी फूलेगा, क्योंकि वहां पर क्या लगे, टाइट जंक्शन लीकेज नहीं होने लगे। फिर बात की एडहेरेंस, एडहेरेंस, एडहेरेंस भी टाइप हो सकते हैं, जॉइंट मैक्युला, पर इतना कहीं नहीं पूछा जाता, बस उनको एक टर्म यूज कर सकते हैं, डेस्मोसोम्स, जैसे मैंने ब्रैकेट में लिखा दिया था। एडहेरेंस का मतलब होता है बांधना, जोड़ना, ठीक है, बाइंड करना, कनेक्शन के लिए तो प्रोटीन्स होते हैं बीच में, प्रोटीन्स अगेन जंक्शन, इनको बोलते हैं एडहेरेंस जंक्शन, जो दो टाइप के एपिथेलियल टिश्यू को बांधने का काम करते हैं। एक्ट एज सीमेंटम, ठीक है, परफॉर्म सीमेंटम टू कीप नाइबरिंग सेल टुगेदर, सीमेंट की तरह वर्क करते हैं, सीमेंटम की तरह वर्क करते हैं, हमारा कह सकते हो स्ट्रक्चरल सपोर्ट में हेल्प करते हैं। मैंने बताया था, अच्छा इसके अलावा काम मिलते हैं भाई, भाई ये तो सभी जगह मिलेंगे, सबको जुड़ने का काम कर रहे हैं, बांधने का काम कर रहे हैं, स्पेशली एपिथेलियल टिश्यू में सभी जगह मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद में गैप जंक्शन की बात की, तो दो सेल के साइटोप्लाज्म के बीच में कम्युनिकेशन मेंटेन करते हैं, कम्युनिकेशन बिटवीन साइटोप्लाज्म ऑफ एडजेसेंट सेल, आसपास के जो सेल्स हैं उनके बीच में साइटोप्लाज्म में कम्युनिकेशन, यानी रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड सम लार्ज मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्ट के लिए कौन रिस्पांसिबल होते हैं, गैप जंक्शन, कौन रिस्पांसिबल होता है, गैप जंक्शन। तो यहां तक, हां बेटा, रैपिड रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड सम लार्ज मॉलिक्यूल्स, एनसीईआरटी की लाइन है बेटा। इस बार बस मेरा मोटिव एक ही होगा, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एनसीईआरटी आपके ब्रेन में परमानेंटली सेट कर पाऊं, परमानेंटली, ठीक है, हर तरीके से, डायग्राम, फ्लो डायग्राम, अपनी मेडिकल थ्योरी के बेस पर, ठीक है, जो बच्चे बोलते हैं एपिथेलियल पूरे ब्रेन में सेट हो गए होंगे। अगर एपिथेलियल बहुत बेहतर तरीके से ब्रेन में सेट हो गए तो जरूर यार रिस्पांस देना, एक छोटा सा कमेंट बनता है, अभी अभी नहीं देखूंगा, बहुत तेजी से रन कर रहे हैं, एक बार लेक्चर कंप्लीट हो जाने के बाद अपना रिस्पांस जरूर दिया करो, तो समझ पाते हैं हम कि हम सही डायरेक्शन पे हैं, आपको बहुत बेसिक बातें, सिंपल सी, आज का टारगेट हमारा क्या, बेसिक बात बता दी थी, मोस्ट अबेंडेंट होते हैं भाई, सबसे ज्यादा मिलने वाले टिश्यू की बात करते हैं तो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, और कनेक्टिव में भी मोस्ट अबेंडेंट कौन होते हैं, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, जो लेके चलेंगे, कल हमने करा दिया था, कनेक्टिव टिश्यू की कंपोजिशन भी कल हमने करा दी थी, कंपोजिशन में से एक सेल बचे हुए थे, ठीक है। अब कंपोजिशन में सेल्स में क्या क्या करा दिया, वो भी बता दूं मैं लास्ट क्लास के अंदर, कंपोजिशन में सेल्स की बात की थी, तो कंपोजिशन में लास्ट क्लास में क्या क्या करा दिया था, ये हम कराने वाले हैं प्लाज्मा सेल, थोड़ा ये आप नोट कर लो, प्लाज्मा सेल के बारे में लगभग एंड हो जाएगा, और हमारा एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के अंदर बचेगा, ठीक है, आज कंप्लीट है, हाँ, हमारा एक मस्कुलर बचेगा और एक नर्वस बचेगा, और मस्कुलर नर्वस की बात करते हैं तो एक्चुअली हम उसको आगे चैप्टर में लेते हैं, पर जितना एनसीईआरटी में रखा है उतना हम यहां करा देंगे, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने कनेक्टिव की बात की थी, और कनेक्टिव की बात करते हैं तो कनेक्टिव में मैंने बताया कंपोजिशन, अगर हम कंपोजिशन की बात करते हैं तो बेटा इसमें तीन बातें ध्यान रखनी है, एक तो ग्राउंड सबस्टेंस, इसको मैट्रिक्स भी बोल सकते हो, या वो सबस्टेंस जिसके अंदर बॉडी जिसमें टिश्यू के सेल्स और फाइबर प्रेजेंट होते हैं, टिश्यू के सेल्स और फाइबर प्रेजेंट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड सबस्टेंस, क्लियर है। जो होता क्या है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स, या क्या बोल सकते हो उसको, ग्लाइकोसामिनो ग्लाइकेन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्लाइकोसामिनो ग्लाइकेन व्हिच मोस्टली प्रेजेंट इन अवर ब्लड, अवर कनेक्टिव टिश्यू, तो बोलोगे हाइल्यूरोनिक एसिड, हाइल्यूरोनिक एसिड, ये मेनली हमारे कनेक्टिव टिश्यू में देखने को मिल जाता है। फाइबर की अगर बात करते हैं तो फाइबर आपके दोनों टाइप के होते हैं, तीन टाइप के होते हैं, यहां पर आपको व्हाइट कोलिजन फाइबर भी मिलेंगे, यहां आपको येलो इलास्टिन फाइबर भी मिलेंगे, और यहां आपको रेटिकुलर फाइबर भी मिलेंगे। येलो इलास्टिन फाइबर की अगर बात करते हैं तो उसमें इलास्टिसिटी होती है, कोलिजन फाइबर में इलास्टिसिटी नहीं होती, रेटिकुलर फाइबर इज अ नेटवर्क ऑफ थिन कोलिजन फाइबर सराउंडेड बाय रेटिकुलिन प्रोटीन, एक तरीके से, ठीक है, ये एक नेटवर्क बनाते हैं, और नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, रेटिकुलम, रेटिकुलम मतलब नेटवर्क, क्लियर, बिल्कुल, सो इट्स कॉल्ड रेटिकुलर फाइबर, ओके, बेहतरीन, सुपर, यहां तक क्लियर है। अब हमने लास्ट में बात की थी बेटा, हमने सेल्स की बात की थी, सेल्स की बात करते हैं तो मेसेनकाइमल सेल, मेसेनकाइमल सेल वो सेल होते हैं जिनको हम स्टेम सेल भी बोल सकते हैं, जो एडिपोसाइट में कन्वर्ट हो सकते हैं, जो फाइब्रोब्लास्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं, जो आगे जाकर के ऑस्टियोब्लास्ट या कॉन्ड्रियोब्लास्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं, यानी ऐसे स्टेम सेल जो कनेक्टिव टिश्यू के अदर सेल में कन्वर्ट होने में कैपेबल होते हैं। तो मेसेनकाइमल स्टेम सेल नंबर 1, नंबर 2 ध्यान रखना आपको, फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट जो मैट्रिक्स के फाइबर्स और मैट्रिक्स को रिलीज करने का काम करते हैं वो फाइब्रोब्लास्ट हैं, क्लियर, बिल्कुल। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो मैं आपको बोली थी, बोला था आपको हमने, मैक्रोफेज फैगोसाइटिक सेल्स जो फैगोसाइटोसिस करके एक तरीके से हमारे सिस्टम को क्लीन करने का काम करते हैं, पूरे सिस्टम में होते हैं, यहां पर भी होते हैं कनेक्टिव टिश्यू में, व्हिच एक्ट एज स्कैवेंजर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, क्लियर, बिल्कुल। फिर हमने बात की मास सेल, अगर मास सेल की बात करते हैं, मास सेल की बात करते हैं तो मास सेल बेटा बिल्कुल बैसोफिल की तरह होते हैं, पर बैसोफिल की पोजीशन क्या है, ब्लड, और ब्लड को छोड़कर जो रिमेनिंग कनेक्टिव टिश्यू है उसमें क्या मिलते हैं, मास सेल, दोनों ही इन्फ्लेमेशन के लिए रिस्पांसिबल होते हैं, दोनों के अंदर ही हेपारिन हिस्टामिन सीरोटोनिन होता है, हेपारिन एंटीकोएगुलेंट होता है, हिस्टामिन मतलब वैसो डायलेटर होता है, सीरोटोनिन ब्रोंकियोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है, क्योंकि ये स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पांसिबल होता है, एकदम क्लियर है, बिल्कुल, यहां तक सेट है। आगे बढ़ते हैं बेटा, इसके बाद हमने बात की थी प्लाज्मा सेल, लास्ट लेक्चर में प्लाज्मा सेल, अगर प्लाज्मा सेल की बात करते हैं तो प्लाज्मा सेल मैंने बताया था, इट इज अ एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट, क्योंकि बी लिम्फोसाइट, ठीक है, इनएक्टिव भी होते हैं, मींस कह सकते हो जो मेमोरी सेल का काम करते हैं, एक्टिव भी होते हैं जो कंटिन्यू कर रहे हैं एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रहे हैं, इनको प्लाज्मा सेल होते हैं, क्लियर, बिल्कुल। तो प्लाज्मा सेल इज एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट रिस्पांसिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी, क्लियर, तो यहां इनको क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोलते हैं, जो ब्लड में बताने वाले हैं, और इम्यून सिस्टम का डिटेल्ड है, डिटेल्ड इम्यून सिस्टम के अंदर, वहां पर स्ट्रक्चर का दे रखा है, हर एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर भी कराएंगे आपको, तो ये वाली बात क्लियर थी, सेल्स वाली बात, यानी बेसिक कंपोजीशन हमारा क्लियर था। अब हमने इसके बाद बात की थी भाई, इसको डिवाइड किया था इसका टाइप्स, तो कनेक्टिव टिश्यू को हमने डिवाइड किया, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, प्रॉपर और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अगर कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की बात करते हैं, प्रॉपर जो मेन कनेक्टिव टिश्यू है, लूज और डेंस में डिवाइड किया है, स्पेशलाइज्ड में हमने क्या डिवाइड कर दिया, भाई फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें ब्लड की बात की है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं फ्लूइड के अलावा, तो आपको स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू भी पढ़ने, ठीक है, जो हमारे स्केलेटल सिस्टम से जुड़े होते हैं, ठीक है, मतलब स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू हमारे स्केलेटल सिस्टम को बनाने का काम करते हैं, तो उसमें आपको पढ़ना क्या है, इसके अंदर आपको पढ़ना कार्टिलेज और बोन, जो हम आज कराने वाले, फिर हमने डिटेल में समझाया लूज और डेंस में डिफरेंस क्या है, लूज का मतलब ढीले, मतलब ना मेरी बात, मतलब उसका मैट्रिक्स ज्यादा होगा, फाइबर कम होंगे, डेंस का मतलब फाइबर ज्यादा है, मैट्रिक्स कम है, तो लूज में क्या पढ़ने वाले हो, लूज में आप पढ़ने वाले हो एरियोलर और एडिपोज, डेंस में क्या पढ़ने वाले हो, डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर, ठीक है, डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर, समझ गए।
अगर हम बात करते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू में एरोलर और ठीक है एडिपोज, तो एरोलर का मतलब क्या होता है? एरियोला। एरोला मतलब होता है बॉडी स्पेस। ऐसे टिश्यू जो हमारे बॉडी स्पेस को फिल करने का काम करते हैं, टिश्यू ठीक है, ऐसे टिश्यू जो हमारे बॉडी स्पेस को फिल करने का काम करते हैं, इट इज कॉल्ड एरोलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कहां होते हैं भाई? हमारे स्किन के नीचे होते हैं, जो हमारी स्किन को मसल से जोड़ने का काम करते हैं। और कहां होते हैं बेटा? इसके अलावा आप बोलोगे कि जितने भी ऑर्गन्स हैं हमारे उनके अराउंड होते हैं, विच एक्ट एज पैकिंग टिश्यू। पैकिंग टिश्यू की तरह काम कर रहे हैं हमारे ऑर्गन और बॉडी के बीच में। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। एरोलर कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं, द मोस्ट अबंडेंट कनेक्टिव टिश्यू। भाई सारे टिश्यू में तो मैंने बताया आपको भाई कनेक्टिव टिश्यू सबसे ज्यादा होते हैं, और कनेक्टिव टिश्यू में भी सबसे ज्यादा कौन होता है? एरोलर कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर है? अब हमने एरोलर कनेक्टिव टिश्यू में एक डायग्राम बनाया था, उस डायग्राम को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी कर दिया, मुझे लगता है सारी बातें आपको याद है। अब एरोलर कनेक्टिव टिश्यू के बाद हमने स्टार्ट किया था एडिपोज। क्या स्टार्ट किया था? एडिपोज। भाई एडिपोज क्या है? ठीक है, आप लोग फैट स्टोरिंग, ठीक है, सेल्स के एग्रीगेशन से जो बनते हैं वो एडिपोज टिश्यू है, यानी एडिपोज साइट सेल के एग्रीगेशन से जो बन रहे हैं वो एडिपोज टिश्यू है। आप समझ गए मेरे पास? इट इज अ फैट स्टोरिंग कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें फैट स्टोर भी होता है, जरूरत पड़ने पर उसका ब्रेकडाउन भी होता है, फॉर्मेशन ब्रेकडाउन दोनों हो रहे हैं, यानी टोटल मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने के लिए रिस्पांसिबल होते हैं फैट के मेटाबॉलिज्म को एडिपोज साइट। ठीक है, अच्छा जी, पोजीशन क्या एडिपोज साइट की? मैंने बताया स्किन के नीचे होते हैं, ठीक है, मेल में भी होते हैं, फीमेल में भी होते हैं। मेल में इसकी थिकनेस कंपेयर टू फीमेल कम होती है, फीमेल में इसकी थिकनेस कंपेयर टू मेल ज्यादा होती है। अच्छा, विटामिन डी फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। क्लियर है? इसके अलावा मैं एडिपोज टिश्यू की बात करूं ना, तो ये इंसुलेटर का काम करते हैं। क्या? इंसुलेटर, यानी बॉडी की हीट को, एनर्जी को बाहर निकलने से रोकते हैं। ठीक है, और ये शॉक एब्जॉर्बर का भी काम करते हैं, इसीलिए हमारे हार्ट के अराउंड होते हैं, आईबॉल के पीछे होते हैं, किडनी के अराउंड होते हैं। ठीक है, शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर था? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर हमने इसको टाइप में कन्वर्ट किया था, व्हाइट फैट और ब्राउन फैट। व्हाइट व्हाइट होता है, ब्राउन ब्राउन होता है, ब्राउन ब्राउन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन कंटेनिंग साइटोक्रोम पिगमेंट्स, इसलिए इसमें ब्राउन कलर होता है। व्हाइट की अगर बात करते हैं तो उसमें सिंगल लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स होती है, जिसमें फाइबर और माइटोकॉन्ड्रिया कम होते हैं, इसलिए ब्रेक नहीं होता। जबकि ब्राउन फैट में स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं, विच प्रेजेंट अराउंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड होते हैं। इसके अंदर अगर फाइबर की बात करते हैं, फाइबर दोनों में कम होंगे, लूज कनेक्टिव टिश्यू है, बट माइटोकॉन्ड्रिया के पास बहुत सारे होते हैं। समझ गए मेरी बात? अगर हम पोजीशन की बात करते हैं, जो ब्राउन अपीयरेंस है, बताइए किस वजह से आ रही है? एग्जांपल कहां मिलते हैं? व्हाइट व्हाइट की अगर बात करेंगे तो आप लोग येलो बोन मैरो में मिलते हैं, जो आज कराने वाले हैं। इसके अलावा हमारे बॉडी के, ठीक है, बॉडी के अंदर एडिटेड मोस्टली वाइट ही है सारे के सारे। ठीक है, न्यू बॉर्न बेबी में ब्राउन होते हैं। इसके अलावा कैमल का जो हम्प होता है उसमें होते हैं। इसके अलावा जो ब्लबर, ब्लबर समझ रहे हो, जितने भी एनिमल्स होते हैं उनमें थिक लेयर होती है फैटी, उसको ब्लबर बोलते हैं। जैसे व्हेल के अंदर 80 सेंटीमीटर थिक लेयर होती है, पता है आपको? ठीक है, उसमें समझ लो, व्हेल के अंदर भी होती है, एलिफेंट में भी होती है, सील फिश होती है मछली, उसमें भी देखने को मिलती है। ठीक है, शील के अंदर, तो इन सब के अंदर ब्लबर, थिक लेयर ऑफ एडिपोज टिश्यू होती है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं ब्लबर। तो इसे व्हाइट फैट है। अब ब्राउन फैट क्या होता है? ब्राउन फैट इजीली ब्रेक हो जाता है, बिना मेहनत के ब्रेक हो जाता है। तो हमने बताया था बेटा, एक तो न्यू बॉर्न बेबी में जो गोलमटोल होता है, इसके अलावा हमने एग्जांपल दिया था इसमें आपको, जो हाइबरनेटिंग एनिमल्स होते हैं, ठीक है, हाइबरनेशन समझते हो? ठीक है, जो अनफेवरेबल कंडीशन आने पर एकदम निष्क्रिय हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, तो उस समय व्हाइट फैट को यूज नहीं करते, उस समय वो ब्राउन फैट को यूज करते हैं। तो ब्राउन फैट को यूज करके एकदम अपने फैट को, समझ लेना, अपनी एनर्जी को मेंटेन करते हैं और अपने नरिशमेंट को ब्रेकडाउन होने से लेते रहते हैं। तो यहां तक कोई डाउट शाउट नहीं होना चाहिए। फिर मैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बात की थी, डेंस के अंदर मैंने बताया था रेगुलर इरेगुलर, रेगुलर मैंने टेंडन और लिगामेंट को एग्जांपल लिया था। टेंडन जो बोन को मसल से जोड़ते हैं, लिगामेंट जो बोन को बोन से जोड़ते हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं कंपोजिशन, तो टेंडन के अंदर मोस्टली कोलेजन फाइबर ही होते हैं, पर लिगामेंट में मोस्टली येलो इलास्टिन फाइबर होते हैं, बट सम या फ्यू कोलेजन फाइबर आल्सो प्रेजेंट इन टेंडन, सॉरी लिगामेंट। लिगामेंट के अंदर इलास्टिन के साथ-साथ कुछ कोलेजन फाइबर भी होते हैं, जो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं। क्लियर था? बिल्कुल, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर करा दिया था। एनसीईआरटी में पैदल लेके चल रहे हैं, आज हम क्वेश्चन भी लेकर आए जो कांसेप्ट आपको क्लियर करेंगे। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते, आगे हमने बात की थी बेटा, ठीक है, अब बात करते हैं इरेगुलर। इरेगुलर की बात करते हैं तो मैंने येलो और व्हाइट बताया था। येलो अक्सर लग्स में होते हैं, क्योंकि इलास्टिसिटी के लिए रिस्पांसिबल होते हैं। व्हाइट एक तो हमारी स्किन की डर्मिस में होते हैं, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। इसके अलावा बॉडी के ऑर्गन होते हैं ना, जैसे पेरिओस्टियम, पेरिकार्डियम, समझ लो, पेरिकोंड्रियम, क्लिसंस कैप्सूल, इन सब के अंदर क्या होते हैं? व्हाइट कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, डेंस इरेगुलर व्हाइट कनेक्टिव टिश्यू, यानी कवरिंग बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। यहां तक मैंने आपको एकदम ब्रेन में सेट करा दिया था लास्ट लेक्चर में। ठीक है, अब आगे हमें जो पढ़ना है बेटा, इसके अंदर वो दो चीजें पढ़नी है, कार्टिलेज और बोन, जो हम कोशिश करेंगे आज एकदम ब्रेन में आपके परमानेंट सेट करा करके टिश्यू वाला पार्ट एकदम फिनिश कर दें। और आगे बस एक थोड़ा सा नर्वस और मस्कुलर बचा हुआ है, वो अगले लेक्चर के अंदर खत्म करा करके हम डाइजेशन स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, यही काम करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में दो टॉपिक खत्म कराऊंगा और मैं क्वेश्चन कुछ ना कुछ नया करूंगा। क्वेश्चन इशू क्या? इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल, इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल, बिल्कुल एनसीईआरटी की डेफिनेशन में यूज कर रहा हूं। ठीक है, कहीं कोई रबर डाइवर्जन नहीं, बिल्कुल वो चीज बता रहा हूं, नीट में आती है, लाइन उठ के आएगी। इट इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, यानी स्ट्रक्चर में सिमिलर होंगे, विद इंटरसेलुलर रेजिस्टेंस प्रेजेंट बिटवीन देम, समझना, जिसमें इंटरसेलुलर रेजिस्टेंस के बीच में होता है उसको मिला दो। ठीक है, परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, जो एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, ओरिजिन टर्म यूज नहीं किया। ठीक है, वहां एक बार को वेरिएशन आ सकता है। ठीक है, वेरिएशन का मतलब अलग तरीके से, हम एक इशू की बात नहीं कर रहे। ठीक है, इशू द ग्रुप ऑफ सेल, उसमें से समझना, हम ओरिजिन टर्म यहां पे यूज नहीं किया एनसीईआरटी ने, एनसीईआरटी ने दो टर्म यूज किया, वही फोकस करेंगे, सिमिलरिटी परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। अब समझ लो, सिमिलरिटी एंड परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, इसको क्या बोलते हैं ग्रुप ऑफ टिश्यू। ठीक है, सबसे पहले एपिथेलियम स्टार्ट करते थे। अगर एपिथेलियम की बात करते हैं, तो एपिथेलियम मैंने आपको बताया था बेटा, कि एपिथेलियम मतलब अपॉन थीलियम मतलब ग्रोथ या कवरिंग, वो टिश्यू दूसरे टिश्यू की कवरिंग बनाते हैं, इंटरनल लाइनिंग बनाते हैं, एपिथेलियम टिश्यू होते हैं। अगर एपिथेलियम टिश्यू की पोजीशन की बात करते हैं, तो पोजीशन में एपिथेलियम की, एपिथेलियम का ओरिजिन कई टाइप से हो सकता है, एक्टो भी हो सकता है, मेसो भी हो सकता है और एंडो भी हो सकता है, डिपेंड करता है वो एपिथेलियम किस रीजन के अंदर है। ठीक है, वो किस रीजन के अंदर है। ठीक है, गट के एपिथेलियम टिश्यू है या एपिडर्मिस के एपिथेलियम टिश्यू है या इंटरनल ऑर्गन के एपिथेलियम टिश्यू है। ठीक है, उसके हिसाब से वेरिएशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एपिथेलियम टिश्यू की पोजीशन, भाई जितने भी ऑर्गन होते हैं इसके आउटर लेयर एपिथेलियम टिश्यू, जितने भी इंटरनल कैविटीज होते हैं इंटरनल लाइन बाय एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है, इंक्लूडिंग स्किन आल्सो एपिथेलियम टिश्यू, ऑल ग्लैंड्स फॉर्म बाय एपिथेलियम टिश्यू। अगर एपिथेलियम टिश्यू की बात करते हैं, तो ध्यान रखना आपको, इनमें रीजनरेशन पावर सबसे ज्यादा होती है, नंबर वन रीजनरेशन पावर सबसे ज्यादा होती है, इंटरसेलुलर रेजिस्टेंस न के बराबर बहुत लिटिल होता है। ठीक है, पर ए वैस्कुलर होते हैं, फिर नरिशमेंट कहां से लेते हैं? अब रुके, एक नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, उसके थ्रू डिफ्यूजन कंट्रोल लेते हैं, नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन से डिफ्यूजन कंट्रोल लेते हैं। क्लियर था? फिर मैं बात की टाइप्स ऑफ एपिथेलियम टिश्यू, टू टाइप, सिंपल कंपाउंड, सिंपल का मतलब सिंगल लेयर, कंपाउंड का मतलब मल्टी लेयर। सिंगल लेयर की बात करते हैं, तो मैंने बताया इंटरनल लाइनिंग ऑफ डक्ट ट्यूब एंड कैविटी की इंटरनल लाइनिंग इसी से मिलकर बनी होती है। कहां होते हैं? डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन, सीक्रेशन, एब्जॉर्प्शन, जैसी चीजें होती हैं, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू होते हैं।
कंपाउंड होते हैं जहां पर मल्टीलेयर यानी प्रोटेक्शन में इन्वॉल्व होते हैं कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। अब सिंपल को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, सिंपल स्क्वामस, सिंपल टिब्यूल, सिंपल कॉल्यूम बना। सिंपल स्क्वामस की बात करते हैं इट इज आल्सो कॉल्ड पेवमेंट या टेसिलेटेड पेवमेंट, सभी सिंपल को बोल सकते हो। पेवमेंट का मतलब फ्लैटेंड टाइल लाइक, फ्लैट टाइल जैसे, फ्लैटेंड टाइल लाइक स्ट्रक्चर आएगा पेवमेंट, पर टेसिलेटेड सबको नहीं बोलोगे। जहां पर इररेगुलर मार्जिन होंगे, इररेगुलर मार्जिन होंगे उसको हम टेसिलेटेड टर्म यूज करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं अच्छा सिंपल का काम क्या होता है, डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन, अगर मैं आपसे पूछूं बेटा रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिफ्यूजन फिल्ट्रेशन कहां हो रहा है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो आप क्या बोलने वाले हो सर एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। मैं आपसे पूछूं एक्सक्रीटरी सिस्टम में डिफ्यूजन फिल्ट्रेशन कहां होता है, वुमेन्स कैप्सूल एंड डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा कि सर्कुलेटरी सिस्टम में कहां होता है, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स एंड इंटरनल लाइनिंग ऑफ हार्ट आल्सो, ठीक है। इसके अलावा बॉडी कैविटी में कब मेसोथेलियम बोलोगे, मेसोथेलियम इज द इंटरनल लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी लाइक लाइक हार्ट की कैविटी, पेरिकार्डियल, लंग्स की कैविटी, प्लूरल और बॉडी ऑर्गन के जिसमें होते हैं उसको विसरल कैविटी बोलते हैं। उन सबकी इंटरनल लाइनिंग किससे मिलकर बनी होती है, मेसोथेलियम। ओके समझ में आ गया, ठीक है, मेसोथेलियम बिल्कुल बिल्कुल। गट की जो चारों तरफ सिरोता होती है ना, वो भी मेसोथेलियम का ही पार्ट है, बिल्कुल सही, ठीक है ठीक है बिल्कुल सही। तो यहां पर क्या था बेटा, अब बात करते हैं ट्यूबेटल। अगर ट्यूबेटल की बात करते हैं टू पार्ट डिवाइड करके, नॉर्मल ट्यूबेटल, ब्रश बॉर्डर ट्यूबेटल, ठीक है। नॉर्मल ट्यूबेटल की बात करते हैं तो कहां होते हैं भाई, ग्लैंड्स बताओ, वेसिकल्स ऑफ थायराइड, ठीक है। इसके अलावा हम पूछते हैं आपसे, ठीक है, डक्ट में बताओ, स्मॉल डक्ट ऑफ सेक्रेटरी ग्लैंड, सिंगल लेयर ट्यूबेटल। अगर आपसे गोनेड्स से पूछते हैं जनरल एपिथेलियम ऑफ गोनेड्स, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे पूछते हैं गोनेड्स के अलावा एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या बोलोगे भाई, ट्यूबेटल ही होते हैं, पीसीटी में ब्रश बॉर्डर ट्यूबेटल, एसएनडी में नॉर्मल ट्यूबेटल, डीसीटी के अंदर नॉर्मल ट्यूबेटल और प्लैकेट डक्ट में आल्सो नॉर्मल ट्यूबेटल। तो ब्रश बॉर्डर ट्यूबेटल फॉर एब्जॉर्प्शन, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, तो पीसीटी में ब्रश बॉर्डर ट्यूबेटल हो गए। ओ यार अब कॉलमनार, कॉलमनार कैसे क्या था, कॉलमनार कॉलम शेप होते हैं, कॉलमनार कॉलम शेप होते हैं, न्यूक्लियस ओवल शेप होता है, प्रेजेंट नियर द बेस, प्रेजेंट नियर द बेस, क्लियर बिल्कुल। चलो अगर कॉलमनार की बात करते हैं तो गोबलेट सेल ओनली प्रेजेंट इन कॉलमनार या कॉलमनार का मॉडिफिकेशन यानी यानी सीरो स्टेरिफाइड, याद आ गया, सीरो स्टेरिफाइड, ठीक है। तो ये सिलेटेड भी हो सकते हैं कॉलमनार, ठीक है, ये नॉन इसमें काइनोसिलिया भी हो सकते हैं, स्टीरियोसिलिया भी हो सकते हैं, ये ब्रश बॉर्डर भी हो सकते हैं, नॉर्मल भी हो सकते हैं। तो नॉर्मल क्या होते हैं, आपकी गट के ट्रैक में मिलने वाली जो ग्लैंड्स होती है उनमें नॉर्मल कॉलमनार होते हैं। आपकी गट का जो ट्रैक होता है, गॉलगट होता है, उसमें ब्रश बॉर्डर कॉलमनार होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं काइनोसिलेटेड कॉलमनार, तो काइरो यानी मोटाइल सिलिया, तो मोटाइल सिलिया का मिलेंगे, फैलोपियन ट्यूब में मिलते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में मिलते हैं, यहां मोटाइल सिलिया होते हैं, ठीक है। और नॉन मोटाइल सिलिया के एग्जांपल तीन लगाए थे, एपिडर्मिस, वास डिफरेंस और इंटरनल ईयर, क्लियर बिल्कुल। समझ रहे हो बेटा, समझते जाओ, एनर्जी भी कम है क्योंकि जस्ट अभी मैं दो घंटे क्लास लेकर आ रहा हूं, दौड़ का भागता हुआ, ठीक है। मैंने मेरे बच्चे ऑनलाइन वाले बच्चे गेट कर रहे हैं, भागो भागो तेजी से, ठीक है। बात करके अगेन रिवीजन स्टार्ट कर दिया, नॉन स्टॉप, नॉन स्टॉप बोल रहा हूं, ठीक है। तो थोड़ा सा सपोर्ट कर रहा, ठीक है, एनर्जी जरूरत पड़ती रहेगी, बीच में एनर्जी देते रहना, ठीक है, एनर्जी मिलती रहनी चाहिए, एनर्जी मिलती रहेगी तो काम बना रहेगा, मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो सीधी बात करते हैं, याद किया था कॉलमनार, कोई डाउट नहीं होगा, कॉलमनार की बात बाकी थी, कॉलमनार की बात बाकी थी, तीनों हो गए, ठीक है। इसके बाद बाकी थी ग्लैंड, इसके बाद बाकी थी ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। तो ग्लैंड्स का मॉडिफिकेशन है, सिंपल ट्यूबेटल, सिंपल कॉलमनार का मॉडिफिकेशन ग्लैंड्स होते हैं, सिंपल ट्यूबेटल एंड सिंपल कॉलमनार का मॉडिफिकेशन होते हैं, ठीक है। अच्छा फंक्शन मत भूलना, अगर हम ट्यूबेटल और कॉलमनार के फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन क्या बताते हैं हमने, सीक्रेशन, एब्जॉर्प्शन, बस बात एनर्जी मिल रही है, सीक्रेशन, एब्जॉर्प्शन, ये सीक्रेशन और एब्जॉर्प्शन, ध्यान रखना ट्यूबेटल का भी फंक्शन है और कॉलमनार का भी फंक्शन है, ट्यूबेटल का भी है, कॉलमनार का भी फंक्शन है, सीक्रेशन और एब्जॉर्प्शन, ध्यान रखना है। पर ग्लैंड्स की अगर बात करते हैं तो ग्लैंड्स भाई सीक्रेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, एब्जॉर्प्शन में नहीं, सीक्रेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, ट्यूबेटल और कॉलमनार के मॉडिफिकेशन तो ग्लैंड बन रहे हैं। अच्छा ग्लैंड के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो उनको थ्री पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, ऑन द बेसिस ऑफ मोड, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ डक्ट या सीक्रेशन का मोड पूछे, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ डक्ट पूछे, पहले एक्टोक्राइन, एंडोक्राइन, हाइटोक्राइन, और ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ सीक्रेशन, एपोक्राइन, म्यूरोक्राइन, होलोक्राइन, तो नंबर ऑफ सेल के हिसाब से यूनि और मल्टी, एनसीआरटी डायग्राम में दे रखा है, यूनि में दो एग्जांपल याद रखो, पेनिस सेल और गोबलेट सेल, तुम्हें कुछ रिलीज करते हैं जो छोड़ दोगे, ऑल आर मल्टी सेलुलर, ऐसे याद रखो। अगर मैं एक्सो एंडो हेटरोक्राइन की बात करता हूं तो एक्सोक्राइन के अंदर बस यही एनर्जी एक्सोक्राइन के अंदर बात करते हैं, एक्सोक्राइन में डक्ट होती है, अपने सीक्रेटरी सिस्टम को डायरेक्ट टारगेट ट्यूब पर रिलीज करते हैं, डायरेक्ट टारगेट ट्यूब पर करते हैं, रिलीज करते हैं, फिर बताओ मैं, इनके पास डक्ट होती है, अपने सीक्रेटरी सिस्टम को डायरेक्ट टारगेट ट्यूब पर रिलीज करते हैं, वो कौन होते हैं, एक्सोक्राइन, म्यूकस को रिलीज करने वाले गोबलेट सेल में डक्ट नहीं होती, पर फिर भी अपने सीक्रेटरी सिस्टम को डायरेक्ट टारगेट पर रिलीज कर लेते हैं, सो इज इंक्लूडेड इन एक्सोक्राइन, ठीक है। तो कैसे याद रखना है, अच्छा एंडोक्राइन डक्टलेस, अपने सीक्रेटरी सिस्टम को बॉडी फ्लूइड में रिलीज करते हैं, हेटरोक्राइन दोनों टाइप के, तो दोनों टाइप का याद रहेंगे, टेस्टिस, ओवरी और पैनक्रियास। भाई एंडो की बात करते हैं, ऑल हार्मोन रिलीजिंग, इनको छोड़कर जो भी दिमाग में आ रहा है ऑल आर एक्सोक्राइन, बस सबसे बढ़िया तरीका, ठीक है, चाहे वो मीकस रिलीज करे या ओवरी रिलीज करे, ओटीआर रिलीज करे, सलाइवा रिलीज करे, एंजाइम रिलीज करे, एट सेट्रा, ऑल आर एक्सोक्राइन, ट्रिक से याद करो, परमानेंटली सेट होगा। आगे हमने पढ़ी थी, आगे हमने बात की थी बेटा, भाई मोटर सेक्रेशन, भाई नॉर्मल जो तरीके सेल्स होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, वो म्यूरोक्राइन होते हैं, डिफ्यूजन के प्रोसेस में रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। पर अगर एपोक्राइन की बात करते हैं, दो एग्जांपल, एक तो मैमरी ग्लैंड और एक्सिलरी स्वेट ग्लैंड, नॉर्मल स्वेट ग्लैंड म्यूरोक्राइन, पर एक्सिलरी स्वेट ग्लैंड रिप्रेजेंट इन आर्मपिट्स, दिस रिप्रेजेंट इन आर्मपिट्स, तो क्या बोलने वाले हमको, आर्मपिट्स के अंदर होते हैं या एक्सटर्नल जेनिटलिया के आसपास भी होते हैं, ये कैसे होते हैं बेटा, अब बोलोगे एपोक्राइन, अच्छा म्यूरो और होलोक्राइन, एंटायर सेल रिलीज द सेक्रेशन, तो बोलोगे एंटायर सेल रिलीज द सेक्रेशन, तो क्या बोलने वाले हो, ऑयल एंड वैक्स रिलीजिंग ग्लैंड, इसको सीबीएसएस ग्लैंड भी बोल देते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड सीबीएसएस ग्लैंड, हुआ ना हुआ सेट, एकदम बेटरी। कंपाउंड की बात कर लेते हैं, ठीक है, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू की बात करते हैं, मल्टीलेयर फॉर प्रोटेक्शन, ठीक है, ये स्ट्रेचेबल भी हो सकते हैं और नॉन स्ट्रेचेबल भी हो सकते हैं, स्ट्रेचेबल की बात करते हैं तो ऑल्सो कॉल्ड ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू, क्योंकि यूरिनरी सिस्टम में मिलते हैं, इट इज कॉल्ड यूरोथेलियम, क्लियर है। और नॉन स्ट्रेचेबल की अगर बात करते हैं, अच्छा यूरिनरी सिस्टम का मतलब पेल्विस, यूरेटर, यूरिनरी बेटर, प्रॉक्सिमल यूरेथ्रा, नॉन स्ट्रेचेबल की बात करते हैं तो कॉमनली स्ट्रेटिफाइड टर्म यूज करोगे, इनको क्लासिफाई कर सकते हो, कैसे, स्क्वामस, ट्यूबेटल, कॉलमनार, इसके मतलब डिवाइड कर सकते हो, क्रेटिनाइज, नॉन क्रेटिनाइज, क्रेटिनाइज का मतलब क्रेटिन प्रोटीन डिपोजिशन होगा, क्रेटिन प्रोटीन डिपोजिशन होगा जहां डेड लेयर होती है, लाइक हेयर, लाइक स्किन, समझ रहे हो, लाइक नेल्स, ठीक है, ये कैसे हो गए, क्रेटिनाइज, क्रेटिनाइज और नॉन क्रेटिनाइज, गट में कहोगे ओरल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, एनल कैनाल, फीमेल केस में वजाइना, हां आईज में भी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, कॉर्निया के अंदर, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं बेटा, इसके अलावा बात करते हैं तो स्क्वामस बताए थे हमने, स्क्वामस डक्ट में होते हैं, एक लेयर वाले स्क्वामस, छोटे छोटे डक्टों में, मल्टीलेयर स्क्वामस, बड़े बड़े डक्टों में, सीक्रेटरी ग्लैंड जैसे पैनक्रियास, एग्जांपल देखा एनसीईआरटी ने पैनक्रियास के अंदर, ठीक है, तो ये क्लियर था, यहां तक डाउट नहीं होना चाहिए। चलो भाई ये भी क्लियर हो गया, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, कंपाउंड के बारे में बात की, तो कॉलमनार हो गया, कॉलमनार, एनल कैनाल और कंजक्टिवा ऑफ आईज, वो एग्जांपल दिखाते थे, ठीक है। अब जंक्शन की बात की, एपिथेलियल के अंदर जंक्शन मतलब कनेक्टर, मैंने बताया एपिथेलियल टिश्यू में मोस्टली जंक्शन एपिथेलियल टिश्यू में मिलते हैं, मोस्टली जंक्शन एपिथेलियल टिश्यू में मिलते हैं। गुड मॉर्निंग माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, ठीक है, सुपर 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 सुपर, बस आग लगाते रहो, ठीक है, और समझते रहो, एक रिवीजन होगा ना, रिवीजन पे एकदम फोकस करना, क्योंकि रिवीजन एकदम स्टडी ऐसी रहेगी, अगर आप मुझसे कहो सर आप समझ लो ना, तो अब बात करते हैं कि भाई कंपाउंड क्यों हो गए हमारे, जंक्शन, टाइट जंक्शन, एडहेरेंस जंक्शन, और क्या जंक्शन, टाइट जंक्शन की बात करते हैं, लीकेज को रोकते हैं, ठीक है, स्टॉप द डिस्टेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू, एनसीआरटी की लाइन, टाइट जंक्शन, टाइट जंक्शन कहां होते हैं, भाई पानी पिया, स्टमक लीकेज नहीं होगी, इंटेस्टाइन लीकेज नहीं होगी, यूरिनरी ब्लैडर लीकेज नहीं होगी, क्यों, क्योंकि वहां लगे हैं
टाइट जंक्शन, फिर मैं बात की टाइट जंक्शन की बात की थी, टाइट जंक्शन की बात की थी, टाइट जंक्शन की बात की थी, एडहेरेंस, एडहेरेंस मतलब बांधना, इट इज आल्सो कॉल्ड डेस्मोसोम्स, क्या बोलते हैं डेस्मोसोम्स, ठीक है, इनको डेस्मोसोम्स ही बोलते हैं, बांधने का काम करते हैं सारे एपिथेलियल टिश्यू में देखने को मिलते हैं। और उसके अलावा हम बात करते हैं एडहेरेंस का क्या था, गैप, ये इनको इट इज आल्सो कॉल्ड कम्युनिकेशन जंक्शन, कि दो सेल के साइटोप्लाज्म को आपस में कम्युनिकेट कराते हैं, समझ रहे हो, फॉर रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल एज कम लार्ज मॉलिक्यूल, इट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन जंक्शन या गैप जंक्शन। आई बेटा आ गई डेस्मोसोम्स, गैप जंक्शन, सुपर, डॉक्टर स्वा चालू करेंगे भाई, ठीक है, मैं तो बच्चों के कमेंट पढ़ते सर, क्लियर हो गई, हम आगे देखते हैं ऊपर कनेक्टिव टिश्यू, इट इज द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन अवर बॉडी, ठीक है, कंपोजीशन की बात करें, तीन बेसिक कंपोजीशन है, मैट्रिक्स होता है, फाइबर होते हैं, सेल्स होते हैं, ठीक है, मैट्रिक्स जो होता है वो भी पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, लाइक जीएजी, लाइकोसामिनोग्लाइकन, इनको जो मोस्टली मैट्रिक्स हमारे अंदर होता है किस फॉर्म में होता है, हाइलुरोनिक एसिड की फॉर्म में होता है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं मैट्रिक्स के अलावा फाइबर थ्री टाइप के हो सकते हैं, कोलेजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर और रेटिकुलर फाइबर, ठीक है, कोलेजन वाइट कलर के होते हैं, इलास्टिन येलोइश होते हैं, और रेटिकुलर फाइबर जो होते हैं वो थिन नेटवर्क ऑफ कोलेजन विद सराउंडेड बाय रेटिकुलर प्रोटीन, रेटिकुलर फाइबर हो गए। अच्छा सेल्स, मेसेंकाइमल सेल्स थे, स्टेम सेल्स, प्लाज्मा सेल्स थे, फाइब्रोब्लास्ट थे, मैक्रोफेज, मैक्रोफेज जानते हो, इसके अलावा प्लाज्मा सेल जो एंटीबॉडी बनाते हैं, ये सेल आपके कनेक्टिव टिश्यू में मोस्टली सभी जगह मिल जाते हैं, ठीक है। चलो इसके अलावा मैं बात की थी क्लासिफिकेशन कराया था, तो दो पार्ट में डिवाइड किया, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर और स्पेशलाइज्ड, प्रॉपर के अंदर क्या आगे लूज और डेंस, स्पेशलाइज्ड में क्या आगे फ्लूइड और स्केलेटल, फ्लूइड हमने यहां नहीं पढ़ाया आपको, आगे ब्लड में पढ़ाने वाले हैं, स्केलेटल में बोन और कार्टिलेज मैंने करा दिया था, पर डिटेल में हम बोन में पढ़ते हैं, बेसिक टिश्यू वाला पार्ट पूरा करा दिया मैंने, ठीक है। अब लूज कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं तो एरोलर और एडिपोज, डेंस की बात करते हैं, डेंस रेगुलर, इरेगुलर, ठीक है। अब एरोलर पर आ जाओ, एरोलर का मतलब है जो एरोला को फिल करने के लिए रिस्पांसिबल होते हैं, जो एरोला को फिल करने के लिए रिस्पांसिबल होते हैं एरोलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। एरोला क्या होता है, एरोला की अगर बात की जाए तो उसको बॉडी स्पेस बोलते हैं, हमारी बॉडी की स्पेस को फिल करने के लिए रिस्पांसिबल होते हैं, हमारी स्किन को मतलब से जोड़ने का काम करते हैं, स्किन को मतलब से जोड़ने का काम करते हैं, इसके अलावा पैकिंग टिश्यू भी बोलते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी ऑर्गन और बॉडी कैविटी के मिड में होते हैं, क्लियर, बिल्कुल एकदम क्लियर, यहां तक कोई डाउट आउट नहीं होना चाहिए, चलो बहुत बढ़िया। चलो आगे मैं बात की थी एडिपोज, इट इज अ फैट स्टोरिंग कनेक्टेड टिश्यू इज फॉर्म बाय एग्रीगेशन ऑफ एडिपोसाइट, ठीक है, कहां होते हैं ये हमारे ऑर्गन के अराउंड होते हैं, लाइक हार्ट, आई बॉल, ठीक है, किडनी, तो शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, स्किन के नीचे होते हैं, इंसुलेटर का काम करते हैं, इनको व्हाइट और ब्राउन में डिवाइड किया है, ठीक है, व्हाइट व्हाइट होते हैं क्योंकि उनके अंदर आयरन कंटेनिंग साइटोक्रोम पिगमेंट्स नहीं होते, ब्राउन ब्राउन होते हैं क्योंकि उनके अंदर आयरन कंटेनिंग साइटोक्रोम पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ब्राउन की अगर बात की जाती है तो ब्राउन के अंदर स्मॉल साइज ड्रॉपलेट्स होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड होते हैं, ठीक है, इनमें फाइबर तो दोनों में कम होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा होते हैं, व्हाइट मोटा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत कम होते हैं, एक सिंगल फैट ड्रॉपलेट होता है, बड़ा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया कम होते हैं, इजीली ब्रेक नहीं होता, व्हाइट कहां मिलते हैं, कैमल के हम पे मिलते हैं, येलो बोन मैरो में मिलते हैं, और ब्लबर 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 ऑफ एनिमल, ठीक है, क्लियर ऑफ फैट, और एडल्ट की बॉडी में व्हाइट होते हैं, ठीक है। ब्राउन की बात करते हैं, न्यू बॉर्न बेबी में ब्राउन होते हैं, हाइबरनेटिंग एनिमल्स होते हैं, ब्राउन फैट होता है, इजीली ब्रेक हो जाता है बिना मेहनत के, समझे, चलो। तो ये क्लियर हो गया, अब बात करते हैं डेंस रेगुलर, डेंस रेगुलर, डेंस रेगुलर, ऑरिएंटेशन ऑफ कोलेजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर, रेगुलर पैटर्न इन मैट्रिक्स, डेंस रेगुलर, टेंडन लिगामेंट, टेंडन जो बोन को मसल से जोड़ता है, टेंडन क्या होते हैं, सेटलर में क्या होते हैं, थिक थिक कोलेजन फाइबर, लिगामेंट क्या होते हैं, जो बोन को बोन से जोड़ते हैं, लिगामेंट होते हैं, इसमें होता क्या है भाई, येलो कलर के, ठीक है, इलास्टिन फाइबर होते हैं, पर स्मॉल अमाउंट में कोलेजन फाइबर भी यहां होते हैं, जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, समझे, यहां तक कोई डाउट आउट, एकदम सेट है ना, आगे बढ़ते हैं। चलो अब आगे मैं बात की इसके अलावा भाई इरेगुलर, इरेगुलर येलो व्हाइट में डिवाइड कर सकते हो, रेगुलर को, ठीक है, कर सकते हो आपके मन अगर आता है तो, पर ध्यान रखना कि व्हाइट टर्म आएगा तो जितने भी ऑर्गन होते हैं उनकी आउटर कवरिंग व्हाइट से मिलकर बनी होती है, ऑर्गन जैसे लंग्स के अंदर आउटर कवरिंग बोलोगे जहां इलास्टिसिटी होती है तो वहां पर येलो कलर के होते हैं लंग्स के अंदर, और जितने भी ऑर्गन होते हैं उनकी आउटर कवरिंग व्हाइट से मिलकर बनी होती है, जैसे पेरी ऑस्टियम, पेरीकोंड्रियम, ठीक है, जैसे जैसे ग्लिसल कैप्सूल, पेरिकार्डियम, ये व्हाइट फाइबर कनेक्टेड टिश्यू से मिलकर बनी प्रोटेक्टिंग लेयर होती है, डर्मिस में भी यही होते हैं, ठीक है, तो समझ में आया नहीं आया, तो कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट हो गया भाई, ठीक है। अब हमने आगे बात की थी स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड में अच्छा स्पेशलाइज्ड में किसी बात की थी, दो कार्टिलेज बोन, या तो लास्ट लेक्चर में बताया था, कार्टिलेज का कंपोजीशन वही है, बस मैट्रिक्स को कोंड्रिन बोलते हैं, बस कार्टिलेज में रिवीजन की चीज होती है, वही क्या एग्जांपल ऑफ कार्टिलेज, टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, तो टाइप्स ऑफ कार्टिलेज की बात करते हैं, तो मैंने आपको बोला भी था टाइप्स ऑफ कार्टिलेज में क्या रखना है आपको, हायलिन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज और फाइब्रस कार्टिलेज, हायलिन मोस्ट अबंडेंट कार्टिलेज होती है और फाइब्रस, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज होती है, ठीक है, हायलिन के मैंने एग्जांपल कितने बताए थे, हायलिन के एग्जांपल छह बताए थे मैंने, याद हो आपको, कैसे याद रखोगे, सेप्टम ऑफ नोज, नहीं सेप्टम ऑफ नोज, आगे बढ़ो, लैरिंग्स, आगे बढ़ो, शी शेप, ट्रेकिया, ट्रेकिया में शी शेप वाली कार्टिलेज, ट्रेकिया नहीं पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक, फिर स्टर्नम कॉस्टल कार्टिलेज, फिर बोन के अंदर आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज, हेड ऑफ बोन और एपिफाइशियल प्लेट रिप्रेजेंट इन मेटाफाइसिस, इट इज आल्सो कॉल्ड हायलिन कार्टिलेज, अरे आ गई बेटा, हायलिन के बारे में बात की थी, बताया था हार्ड नहीं होते, सॉलिड होते हैं, ताकि बोन सॉलिड होते हैं पर हार्डनेस होती है, नॉन प्लाइबल होते हैं, कंप्रेस होकर टूट जाएंगे, ठीक है। कंपोजीशन के अंदर भाई यहां पर कॉन्ड्रोसाइट, कॉन्ड्रोब्लास्ट और कॉन्ड्रोक्लास्ट, यहां पर ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट और ऑस्टियोक्लास्ट, कंप्रेस क्लियर हो गया। फिर बोन का इंटरनल स्ट्रक्चर मैंने समझाया था, भाई बोन के अंदर जो आउटर लेयर होती है पेरियोस्टियम, अंदर की लेयर होती है एंडोस्टियम, अगर आप कॉम्पैक्ट बोन का स्ट्रक्चर देखोगे, अगर आप लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर देखोगे तो लॉन्ग बोन में दो हेड्रीजन होते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं एपिफाइसिस, बीच वाले पार्ट को बोलते हैं डायफाइसिस, जहां दोनों जुड़ते हैं उसको मेटाफाइसिस बोलते हैं, याद आया, मेटाफाइसिस, जिसमें एक प्लेट होती है एपिफाइसिस प्लेट, जो बोन की लेंथ बढ़ाने में हेल्प करती है, जब तक ये कार्टिलेजनस प्लेट है तब तक आपकी हाइट बढ़ेगी, जिस दिन कार्टिलेजनस प्लेट बोन में कन्वर्ट हो गई फिर आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी, समझ में आ गया था। चलो बहुत बढ़िया, फिर हमने काम किया, जो बोन के हेड वाले रीजन थे उसको स्पॉन्जी बोन बोलते हैं, बीच वाले पार्ट को कॉम्पैक्ट बोन बोलते हैं, स्पॉन्जी क्योंकि अंदर से होलो है, कैविटीज हैं, क्योंकि ट्रैबिकुले बोन प्लेट देखने को मिलते हैं, उसके बीच के स्पेस को ऑक्यूपाई कौन कर लेता है, रेड बोन मैरो, और सेंटर में क्या होती है साफ्ट, साफ्ट में क्या भरा हुआ है, येलो बोन मैरो, तो रेड बोन मैरो की अगर बात करते हैं तो उसमें एरोलर टिश्यू, चाउल लिख लेना वाली बात को, रेड बोन मैरो इज इक्वल टू एरोलर, एरोलर रेड बोन मैरो इज इक्वल टू, उसमें एरोलर बहुत अच्छे खासे होते हैं, समझ रहे मेरी बात, इसके अलावा उसके अंदर स्टेम सेल्स होते हैं जो डिफरेंट टाइप के ब्लड सेल को, भाई मेनली तो स्टेम सेल है, ध्यान रखना, रेड बोन मैरो की अगर बात की जाए तो उसमें ब्लड सेल्स होते हैं, स्पेशली स्टेम सेल्स होते हैं जो ऑल टाइप्स ऑफ ब्लड सेल, मतलब होते हैं हीमोपोइसिस, तो क्वेश्चन आएगा बोन का कौन सा पार्ट हीमोपोइसिस के लिए रिस्पांसिबल होता है, एपिफाइसिस या डायफाइसिस, आप लोग एपिफाइसिस, सॉफ्ट बोन या कॉम्पैक्ट बोन, सॉफ्ट बोन, स्पॉन्जी बोन, स्पॉन्जी बोन के अंदर हीमोपोइसिस होती है, समझ रहे मेरी बात, कॉम्पैक्ट बोन के अंदर हीमोपोइसिस नहीं होती, इरेथ्रोपोइसिस का मतलब होता है आरबीसी का बनना, हीमोपोइसिस का मतलब होता है कंप्लीट ब्लड का बनना, ओके आई या नहीं आई, कुछ गधे नोट्स, गधे बच्चे होते हैं, सर शॉर्ट नोट्स, सर शॉर्ट नोट्स, भाई बड़बड़ा रहा हूं ये क्या है, ठीक है, लकीर के फकीर मत बनना बेटा, लकीर के फकीर बन गए तो तुम रोते चिल्लाते रह जाओगे, बुद्धि दी है इसको यूटिलाइज करना, ठीक है।
अभी कुछ बातें बताई थी, समझ जाओ तो बहुत अच्छी बात है, टारगेट मिल जाएगा, नहीं समझ पाए तो टारगेट नहीं मिलेगा, भटकते रहोगे। आगे बढ़ते बेले की बैंड बजा लेता हूं पूरी की पूरी, ठीक है कुछ अंदर फिर भी सुनो, फिर भी लगा रहा हूं, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है? लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर समझ में आ गया? स्पॉन्जी बोन के अंदर हाइबर्शन कैनाल नहीं होते, जबकि अगर हम बात करते हैं कॉम्पैक्ट बोन तो हाइबर्शन कैनाल होते हैं, और हाइबर्शन कैनाल के अंदर आर्टरी वेन कैपिलरी सब कुछ होता है, और दो हाइबर्शन कैनाल को इंटरकनेक्ट करने के लिए कौन रिस्पांसिबल होते हैं? वॉल्समैन कैनाल रिस्पांसिबल होते हैं। समझ गए ना, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहां पर कोई डाउट नहीं होगा, बोन का स्ट्रक्चर क्लियर था, हाइबर्शन कैनाल पार्ट में समझा दिया था। और एक हाइबर्शन कैनाल के चारों तरफ मैट्रिक्स रिंग की फॉर्म में होता है, उसको हाइबर्शन सिस्टम बोल देते हैं, हाइबर्शन सिस्टम। एक कैनाल के अराउंड ढेर सारी रिंग्स हैं, हाइबर्शन सिस्टम, ठीक है, क्लियर बिल्कुल, यहां पर डाउट आउट नहीं होना चाहिए। चलो भाई ठीक है, यहां पर क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तो बोन वाला पार्ट तो लास्ट में क्लियर करा दिया था, अब बताओ यहां तक कंप्लीट हो गया भाई, ये टिश्यू वाला पार्ट तो कंप्लीट हो गया। हाँ, इसमें दो बातें बता दी मैंने, टाइप्स ऑफ बोन। तो टाइप्स ऑफ बोन में जाना है आपको, एक तो रिप्लेसिंग बोन होते हैं जो कार्टिलेज के रिप्लेसमेंट से बनते हैं, ठीक है, रिप्लेसिंग बोन मैक्सिमम यही होते हैं, लिम्ब बोन, गिडल बोन सब रिप्लेसिंग बोन है, ठीक है। पर अगर बात करते हैं डर्मल बोन, ठीक है, डर्मल बोन या मेम्ब्रेनस बोन, ये मेम्ब्रेन के ऑसिफिकेशन से बनते हैं, जैसे फ्लैट बोन, स्कल्टी बोन हो गए, फेशियल बोन हो गए, क्लाविकल बोन हो गए, सब क्या फ्लैट बोन है, ठीक है। एक बता बात की सिस्मॉइड बोन, ठीक है, पटेला बोन, नी कैप, जो टेंडन के ऑसिफिकेशन से बनती है, यहां आके फिनिश होता है पूरा 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 पार्ट। अब बताओ समझ में आया नहीं आया, समझ में आया नहीं आया, टाइम थोड़ा चला गया, दम थोड़ी निकल गई, पट्टी शू आपका पूरा रिमाइंड करा दिया पूरा।